तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि कितने लोग इसमें से जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना कितने पुराने हैं। जी रजत जी, आवाज नहीं आ रही है। रजत जी आपकी माइक माइक ऑफ है। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए रजत जी। आते हैं जी, आतिर जी बोलिए। जी सर, मई 3 मंथ्स पुराना हूँ सर। 3 मंथ्स पुराने, वेरी गुड। और कितने लोग हैं इसमें? रजत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप माइक ऑन कर लीजिएगा। मेरा नाम आ गया ना सर? आ गया, आ गया। योगेश जी आपका नाम आ गया। चलिए, और सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। ओके, आ रही, कनेक्ट हो गए तो। हाँ जी बोलिए रजत जी। हाँ जी सर, हाँ। मैं कह रहा था, मैंने दिसंबर में आपका ज्वाइन करा था सर। दिसंबर से मैं आपके साथ हूँ। ओके, और उससे पहले मैं आपकी लाइव स्ट्रीम देखता था। ओके रजत जी जी, मैं एक बार मेरा ब्रदर ट्रेड दोनों ली थे ना, तो मेरा ब्रदर है सर, ये मैं मिलवा देता हूँ। हेलो सर जी। जी कैसे हैं? बढ़िया सर, मैं सौरभ पासी हूँ, ये रजत पासी है। अच्छा अच्छा ऐसा है, ट्विंस लग रहे हैं। नहीं सर, 3 साल का गैप है वैसे हमारे बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। तो उस टाइम मैं लॉस के अपना ब्रदर ने ट्रेड ली थी, एनजी की ट्रेड थी। तो उस टाइम बहुत मैं शफल करता था अपना, इधर स्ट्रीम पे जा उधर स्ट्रीम पे जा। तो ऐसी लकीली मुझे आपकी स्ट्रीम नजर आई, तो मैं कहा चलो एक स्ट्रीम और चेक कर लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं कहा देख लेंगे। तो तब मैंने आपकी स्ट्रीम ज्वाइन करी। तो उसके बाद जब अपना मेरे ब्रदर ने पूछा था, वो कि मैं एक्चुअली कॉल साइड बैठा हुआ था ये, और मार्केट डाउन जा रहा था, मार्केट डाउन जा रहा था। तो इनने आपसे पूछा कि सर मैंने कॉल ले रखा है, इतने पे लिया हुआ है, तो मैं क्या करूं। Okay. तो आपने उनको कहा था कि अभी वेट करो, होल्ड करो, अभी एग्जिट मत करना। और मैं ऑलरेडी 5,000 के लॉस पे था। ओके, तो आपने कहा था अभी एग्जिट मत करना, होल्ड करो, इनने जाना ऊपर ही है। तो अच्छा, तब उसका होल्ड करके रखा, और हमारे साथ एकदम थमी पड़ी थी, क्योंकि हम सिंगल लॉट था उसका एनजी का हमारे पास। तो हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं एनजी के अंदर, तो पहले भी तो सिंगल लॉट था, तो हम ऑलरेडी 5,000 के लॉस पे थे हम। तो अच्छा। तब आपने कहा नहीं नहीं अभी सेल आउट मत करना, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ ही जाएगा आपका, आपने इस तरीके से बोला था। तो हमने कहा चलो कोई नहीं देख लेते हैं, हमने कहा उस टाइम फर्स्ट टाइम आपकी स्ट्रीम पे थे, हमने कहा कोई नहीं देख लेते हैं, हमने कहा बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखा वो कॉस्ट टू कॉस्ट तो क्या सर, वो और 5,000 को प्लस करके दोबारा देके गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो उस दिन के बाद हमने किसी और की स्ट्रीम लगानी ही बंद कर दी, हमने सिर्फ हमने कहा एक ही है ट्रेडिंग रिवेन्यू, वहां लगाओ। उसके बाद फिर आपका आपका लाइव, फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करवाते हो, आपने बताया था। तो मैं फिर आपका फ्री जो टेलीग्राम चैनल था वो मैंने ज्वाइन करा था। फिर उसके अंदर जैसी नोटिफिकेशन आ रहा था, साथ ही फिर मैं लाइव पे आता था, जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ मैंने साथ ही सबसे पहले आपका प्रीमियम लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके काफी सुपर सेट्स भी आते रहते हैं लाइव स्ट्रीम में। जी सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो तो ये ऐसा है, मैं ये पूछ रहा हूँ इसलिए सब लोगों से कि कितने लोग पुराने हैं यहाँ पर। देखो काफी लोग अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अब लिंक्स तो मैंने भेज दिया है, लेकिन जो है सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग जो है बाद में बंदे लोग देख लेंगे, ठीक है? जितने भी बंदे हैं बाद में वो लोग देख लेंगे। और कौन है? और आतिर जी बताइए। माइक माइक आपका म्यूट है आतिर जी। जी जी, आपके ट्रेड्स अच्छे रहते सर, एकदम एक्यूरेट रहते। वो बहुत पसंद सर। थैंक यू। जिस दिन आप नहीं आते उस दिन मेरा पीएनएल रेड रहता। आज तो पॉसिबल ही नहीं हुआ मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम के लिए। इवनिंग का भी देखेंगे, आज मूड नहीं है इतना खास, लेकिन देख लेंगे अगर होगा तो इवनिंग की क्रूड भी कर लेंगे। लेकिन आज जो है जूम, आज जो है वीआईपी मेंबर्स को टाइम देना ही था, मतलब देना ही था,
कल तो दे नहीं पाए थे, लेकिन आज जो है उनको हाई प्रायोरिटी पर रखकर ही काम करना था। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मुझे ये बताएगा, क्योंकि 2 साल से चल रहा है VIP का ग्रुप्स, ठीक है, और काफी लोग जो है आते हैं जाते हैं। बीच में जो है मैं थोड़ा यहाँ पर काम में बिजी था, थोड़ा ट्रैवल्स में था, तो मैं यहाँ पर लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन VIP में ट्रेड्स डालता था। सो यहाँ पर है ना, जो भी अभी रिसेंट में है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, उस 3 में से मुझे कोई बता पाएगा कितने SL लगे हैं, उसका आप लोग को एक होमवर्क भी हो जाएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा ट्रेड लेने में, और जो भी करने वाला है ये चेक करने वाला है, ठीक है, उसको 1 मंथ एक्सटेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, पर 2 लोग चाहिए, कोई भी आप लोगों में से कोई भी 2 लोग जो ये चेक करे जनवरी, फरवरी और मार्च में कितने SL लगे हैं। किसी को पता है, किसी ने नोट डाउन किया है, किसी ने लिखा है कितने ट्रेड्स हम ले रहे हैं? आप लोग जनरल तो बना नहीं रहे हो कि भाई हम जो है यहाँ पर VIP के डेली ट्रेड्स लेते हैं, तो VIP के ट्रेड्स में कितनी एक्सेल शीट में जो है हमने नोट डाउन किया कि इतने ट्रेड्स जो मिले और इतने ट्रेड्स में से कितने ट्रेड्स यहाँ पर कितने पॉइंट्स देकर गए, कितने हमने लेकर रखे, उसका किसी ने भी यहाँ पर कोई भी एक वो क्या बोलते हैं एक्सेल शीट मेंटेन नहीं किया होगा किसी ने भी। लेकिन अगर किसी ने जो पुराना है जिसको पता है या वो कर सकता है बैक टेस्टिंग के भाई कितना है, तो कोई बता पाएगा। मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड पड़ा है, लेकिन उसके नियर बाय भी कोई आएगा तो मैं उसको 1 मंथ एक्सटेंड कर दूंगा। उससे 2 फायदा है, एक तो आपको 1 मंथ एक्सटेंड मिल जाएगा, दूसरी बात कि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि सर जो ट्रेड्स दे रहे हैं वो कौन से लेवल पर कैसे बिहेव करता है, कितने कितने देकर जाता है, मंथली कितना जाता है, हफ्ते में कितना जाता है, ठीक है, कोई मुझे बताएगा। और दूसरी बात, कोई मुझे अभी रिसेंटली बता पाएगा कि मार्च महीने में कितने SL लग गए? मार्च में तो नहीं लगे सर, पूरा मार्च महीना, बस अभी देखो 3-4 दिन बाकी है। किसी को याद है पूरे मार्च में कितने SL लग गए? SL मतलब वो एक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है, वो एक्टिव होने के बाद, और SL कितने पॉइंट के रहते हैं आप लोग को मालूम है, 15, 20, 10, 25 डिपेंड है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 30, 40, 45, 50, उससे ज्यादा नहीं होता है, बहुत बहुत कभी मैं 20 डालता हूँ, कभी 30 डालता हूँ, पूरा डिपेंड है, लेकिन उतनी रेंज में ही रहता है, ठीक है। तो कोई मुझे बता पाएगा मार्च में कितना लगा? अभी वर्बली भी किसी को याद है मार्च में कितने SL लगे हैं, या फरवरी में कौन सा SL लगे हैं, किसी को याद है? 2 महीने का, अभी लास्ट 2 महीने का मार्च का याद है सर मुझे। जी बताइए। मार्च में एक बार खाली निफ्टी में SL लग के फिर थोड़ी देर के बाद कैसे टारगेट दिए सर वो। ओके, और उसके बाद एक ही बार हुआ वैसा, जनवरी अच्छा। में हुआ था सर। जनवरी में कहा हुआ था? एक ही बार वो निफ्टी का आप ट्रेड दिए थे सर, पुट का। ओके। तो क्या बोलते हाँ, SL लग के हाँ। थोड़ा ऊपर जाके फिर क्या है सो टारगेट दिया था सर वो, एक ही बार हुआ था खाली। ओके जी सर। ओके, पूरे मंथ में एक बार हुआ था? हाँ पूरे मंथ में एक ही बार हुआ था सर। हाँ, और किसी को कुछ याद है? किसी को याद मार्च में बैंक निफ्टी में हुआ था सर, मार्च महीने में। हाँ, पी वाला है वो। क्या नाम है आपका, दिख नहीं रहा आपका? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पूरे मार्च में याद है, वेरी गुड। क्योंकि उस समय मैं भी उसमें था, लेकिन मैं SL नहीं लगाया तो फिर वो टारगेट दे दिया मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड। चलो और बोलिए, और कौन है? एक निफ्टी का मेरा भी हुआ था। गिरिराज जी बोल रहा है, नाम बताइए कोई भी, मतलब क्योंकि पता नहीं चलता है कौन बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पे जो बोलता है उसका है ना सामने आ जाती होगी ना स्क्रीन, लेकिन जिसका आता है वो, जिसका नहीं आता है ना वो तो पीछे से दिखता है, पता नहीं चलता है। निफ्टी का हुआ था मेरा ये, हाँ हाँ, क्या हुआ था? स्टॉप लॉस हो गया था, फिर दोबारा एंट्री नहीं ली हमने। उसके बाद फिर देखा ही नहीं, बंद कर दिया। देखना होता है। चलो एनीवेज, चलो बहुत ही बढ़िया। तो जो एक पूरे मंथ के अंदर, अगर यहाँ पर है ना, मैं आपको एक एग्जांपल्स पूरा समझाता हूँ, चालू करते हैं, अब 2 मिनट्स बाकी हैं, अब जिसको आना था वो आ चुका है, ठीक है, नहीं आना है वो बाद में ले, जो है देख लेगा लाइव स्ट्रीम, ये रिकॉर्डिंग।
अब यहाँ पर है ना बात करेंगे, ध्यान से समझना, वीआईपी के ट्रेड कैसे ट्रेड्स किए जाते हैं, कैसे ट्रेड्स करना चाहिए। बाद में कोई मैसेज नहीं डालेगा सर क्या करूं, सर ये है वो है फलाना है टिकना है, सारी चीजें मैं आज समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे लाइव स्ट्रीम में समझाया था कि लाइव स्ट्रीम में अगर कोई भी बंदा ट्रेड्स करना चाहता है तो वो जाकर पहले लाइव स्ट्रीम का वीडियो देख ले कि उसको लाइव स्ट्रीम में कैसे ट्रेड्स करना है, ताकि उसको समझ में आ जाए कि कैसे ट्रेड्स होते हैं। चलिए, तो आप लोगों को इतना पता चला कि भाई पूरे मंथ के अंदर भाई लगभग एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। अब पता नहीं लास्ट के दो चार दिन बाकी है, कहीं खाता ना खुल जाए आप लोगों का, ठीक है। पर जो है जनवरी फरवरी और मार्च अगर तुम आप देखो तो एक एक एसएल समझो तो तीन एसएल हो रहे हैं, इन महीने के तीन एसएल हो रहे हैं। लेकिन कोई भी उसका बैक टेस्टिंग करेगा तो मुझे बताएगा कि कितना एसएल हो रखा है, ठीक है। तो वन मंथ एक्सटेंड कर देंगे उनको भी, जो मेहनत करेगा, जो बैक टेस्टिंग करेगा, जिसको करना है ट्रेड्स, सही में पैसा कमाना है। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए। स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहले सबसे पहले स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ब्लैक कलर की स्क्रीन जी, ये स्क्रीन दिख रही है ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन है। येलो से राइटिंग हो रही है। हाँ, राइट, परफेक्ट। सो लिखेंगे सबसे पहले हाउ टू ट्रेड इन वीआईपी ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ना क्या देखेंगे कि आप लोगों को है ना किसी को भी फर्स्ट डे जजमेंट नहीं करना है, डे वन को जजमेंट नहीं लेना है कि भाई या तो वीआईपी ग्रुप अच्छा है या वीआईपी ग्रुप में मजा नहीं आ रही या कुछ भी, वॉट एवर। वीआईपी ग्रुप के साथ है ना आपको फर्स्ट डे का जजमेंट आपको कुछ काम नहीं आएगा। आपको जो है, चाहे भले आपका पहला दिन है, आपको 100 पॉइंट्स मिल चुके आज के, आज भी किसी का पहला दिन है और किसी को समझो आज का 100 पॉइंट का मूवमेंट है, उसमें से 70 पॉइंट भी किसी को मिला तो बात अलग है कि भाई वो लेके निकला, लेकिन वो फर्स्ट डे इसको ना गुड बोलेगा ना बैड बोलेगा। उसको यहाँ पर वीआईपी ग्रुप मैंने जो बनाया उसका मेन रीजन है कि उसको है ना मंथली बेसिस पर देखें, मंथली बेसिस पर देखें। मंथली बेसिस पर देखने के लिए क्या होगा कि डिसिप्लिन पहले मेंटेन हो जाएगा। देखो, याद रखें कि मैं वीआईपी ग्रुप में वो ही ट्रेड्स डालता हूँ जब कोई मार्केट में मूवमेंट्स होती हैं। बिना मूवमेंट्स का वीआईपी के जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे ऑप्शन बायर में कंसिडर करता हूँ कि ऑप्शन बायर है उसको पैसा नहीं मिलता है, उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं होगी तो पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। उसका जो है थीटा डीके हो रखेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो भी यहाँ पर ट्रेड्स हैं उसको है ना आप बना दीजिए एक एक्सेल शीट, आपकी एक एक्सेल शीट बना दीजिए, उसमें ना लिखते रहिए कि भाई आज जो है ये ट्रेड्स मिला वो ये ट्रेड्स में से आपने कितने पॉइंट्स लिए। समझो आज का 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, आपने 50 पॉइंट ही लिए, कोई इश्यू नहीं है, 50 पॉइंट लिए, दैट्स इट, बंद कर दो, ठीक है। ये बात अलग है कि आप अपनी एनालिसिस से कोई और ट्रेड्स ले रहे हैं, लेकिन उसको एक अलग अकाउंट रखो जिसमें आप एनालिसिस से कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कितना अर्निंग हो रखा है, ठीक है। 50 पॉइंट आपने लिए, 50 पॉइंट को अब वो डिपेंड आपके ऊपर है, या तो आप उसको उड़ा दो 50 पॉइंट को, या तो फिर आप उसको आपका अकाउंट क्लोज कर दो, सेव करके रखो वो पैसे को, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी मंथली आपका, जैसे समझो आज यहाँ पर मैं आता हूँ, इधर मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना वीआईपी ग्रुप है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसमें पूरी हिस्ट्री पड़ी है, ठीक है, ये पूरा वीआईपी ग्रुप की। हाँ, अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि आज मैं यहाँ की बात करता हूँ कि आज का जो ट्रेड्स है ये वाला, ठीक है। अपना दो ग्रुप है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है,
क्योंकि कई लोग टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कई लोग जो है व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो दोनों में ऐड हो जाते हैं, ग्रुप एक ही है, ट्रेड सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन दोनों में जो है ट्रेड पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो ट्रेड्स था, ये वाला ट्रेड्स था, ठीक है, आज का बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये वाला बैंक निफ्टी का ट्रेड्स था। तो उसमें ये सारी चीजें आप लोग को पता ही है, ठीक है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों को है ना एक स्मार्टनेस यूज करनी है। कैसे स्मार्टनेस यूज करनी, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका ये ट्रेड्स हैं, ये जो आपको ट्रेड्स दिया, ठीक है, अभी यहाँ पर आपने सारी चीजें आपके वॉच लिस्ट में लगा दी, और जैसे ही ये जो करंट मार्केट प्राइस है, अभी समझो 360 चल रहा है, ठीक है, मैंने पोस्ट किया तो 360 चल रहा होगा, 355 आ गया होगा या 362 चल गया होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आपको दिखेगा क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है तो फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, आवाज सबके पास पहुंच रही है? यस सर। ओके, ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ पर बीए बाय अबाव है, ठीक है, ये बाय अबाव है आपके सामने, ये बीए, ठीक है, वहां पर आ गया, ठीक है, तो आपने 376 लगा देना है, ठीक है। आप 376 की जगह 377 लगा सकते हैं, 376 लगा सकते हैं, डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, जो हैवी ड्राइवर्स हैं, जो भाई ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं, वो तो पोस्ट करते हैं तभी भी जो है वो वहां पर 360 करंट मार्केट प्राइस है तो वहीं से भी ले लेते हैं कई लोग, ठीक है, लेकिन वो रिस्की रहता है, लेकिन उसको प्रॉफिट भी उस हिसाब से मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर। पर यहाँ पर जो है रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, जो रूल के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी टेक्निक सबके पास ये चीज पता है, जो भी पुराने उसको भी मालूम है ये चीज कि वो वहीं से भी ले लेता है, पर उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है वो चीज के लिए। अगर वो वहां पर ही 20-30 पॉइंट का ऐसा लगाकर बैठता है तो उसकी मर्जी है कि वो वहां से कर सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल जो है वीआईपी का सिनेरियो है पूरा नेगेटिव्स रहता है, और वो ट्रेड्स जो डाला है मतलब उसको जाना ही है नीचे, ऐसा समझे। बाई चांस कभी ऐसा हो गया तो भाई वो टारगेट देने के बाद फिर जो है रिवर्स होता है, लेकिन वो जब मैं डालता हूं तो उसको मतलब वहां से एक डाउन साइड की मूवमेंट देनी है। अब यहां पर देखेंगे कि भाई ये 375 इसका बाइंग प्राइस है, बाय अबाउ, ठीक है, आपने लगा दिया 376, ठीक है। अभी ये यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर किया है, कहाँ तक गया है, 460 तक गया है, ठीक है, ये 460 तक गया है। बाकी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप लोग को डिटेल्स दिखती रहेगी कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, कि भाई कितना कितना प्राइस बढ़ रहा है उसमें, ठीक है। अब ये 460 गया, मतलब समझो ये 100 पॉइंट्स चला गया, 100 के ऊपर गया है, 460 का लास्ट अपडेट था ये, 100 प्लस चल रहा था, ठीक है। सो ये मूवमेंट 100 प्लस की आई। अब इसमें ये सारे के सारे टारगेट्स लिखे हैं मैंने, देखो सब ध्यान से सुनना, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे टारगेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी पहले मैं आपको ना मुद्दे की बात बता देता हूँ। ये देखिए सारे टारगेट्स हैं। अब समझो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आप लोगों को यहाँ पर ये 30 पॉइंट्स का टारगेट्स हैं, ठीक है। अब 30 पॉइंट्स आ जाते हैं, अगर आप लोग दो लॉट्स में हैं, आपने दो लॉट में ट्रेड किया है तो सबसे पहले एक लॉट आप निकाल दो, ठीक है, उसके बाद 60 टारगेट है, उसके बाद 90 टारगेट है, अब एक लॉट बच रहा है आपके पास। अब ये मैंने दो लॉट से एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 5 लॉट से ले रहा है, कोई 6 लॉट से ले रहा है, कोई 8 लॉट से ले रहा है, उस हिसाब से उसको वहां पर दो 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 तीन तीन लॉट निकालते जाने हैं, ठीक है, रहना नहीं है कंटिन्यूसली। उसके बाद देखेंगे कि 60 दूसरा टारगेट आया, तो भाई वहां पर भी आप जो है ये एक लॉट आपके पास बचा है तो आप ट्रेल कर दो अपने 30 के दूसरे, मतलब ये जो भी वहां पे प्राइस चल रही है, मतलब यहाँ पर आपको 60 पॉइंट प्लस हो रहा है तो आप यहाँ पर तुरंत ही इसका जो भी बाइंग प्राइस है वहां से 40 पॉइंट जो है जो भी प्रीमियम आता है वहां पर जाकर एसएल सेट कर दो, वैसे ट्रेल आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ताकि अगर रिवर्स हो तो एक लॉट आपने बुक कर लिया है और एक लॉट आपका यहाँ पर आप बुक कर पाएंगे, मतलब ट्रेलिंग एसएल पे आप जो है निकल जाएंगे, ठीक है। और या तो आपको वैसा ट्रेलिंग नहीं करना है तो इसको कॉस्ट पे लगा दो खत्म, के भाई मैं जो है इसमें बड़ी मूवमेंट आएगी भाई 70-80-100 पॉइंट्स की आएगी तो मैं बुक करूंगा, वरना नहीं, ठीक है। वो डिपेंड आपके ऊपर है कैसे आपको बुक करना है, बाकी वो पूरी जो है रैली आपको जो है मिलने वाली है कि भाई 0 से 100 पॉइंट की मिली, अब आप कितना यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, टारगेट टू टारगेट्स कर सकते हैं,
या आप ज्यादा ही डेयरिंग करना है तो एक लॉट को निकाल दो, एक लॉट को निकालो, एक को जो है कॉस्ट पे लगा के छोड़ दो, एक को ट्रेल पे लगा के छोड़ दो, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी आपके पास मौका सबके पास रहेगा, नहीं निकलेगा तो जो है कॉस्ट पे भी नहीं लगाया होगा तो वो ट्रेड उसका लॉस में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें, तो नहीं निकला मौके पर तो वो फंस जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है ही इतनी खतरनाक, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर ट्रेड्स करते हैं। अभी समझो यहाँ पर ये ट्रेड्स था अपना, ठीक है, ये ट्रेड्स था, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल समझ लो कि आज ऐसा हो जाता कि ये 375 पे अपनी बाइंग थी, आपने 376 आपने लिमिट ऑर्डर सेट किया और नहीं चला, समझो उसने एक्टिव हुआ 380 तक गया, ठीक है, और रिवर्स हो गया, ठीक है। तो भाई इतने पॉइंट्स पर आपको निकल ही जाना है, ठीक है। मतलब आपने 376 पर आपने लगाया, अभी आपका 25-26 पॉइंट बैंक निफ्टी लेके गया, समझो 25-26 पॉइंट लेके गया, तो आपको तुरंत ये आपने ऐसा लगा दिया, ठीक। और किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं जो है 40-50 पॉइंट का ऐसा लगाऊं, ठीक है, उतना तक तो भाई ठीक है कि समझे कि आपने लगा दिया, कोई इशू नहीं है कि भाई बैंक निफ्टी है ये, ठीक है, पर निफ्टी में 50 पॉइंट मत लगाने जाना, निफ्टी बैंक निफ्टी है, इट्स ओके कि आपने यहाँ पे 10 पॉइंट मेरे से ज्यादा भी बढ़ा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर निकल जाओ, ठीक है, उसको होल्ड करके मत बैठो, ठीक है। दूसरी बात कि वापिस ये जब जाता है ना, ये वापिस जब जाता है तो सेकेंड एंट्री वापिस कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना मार्केट वापिस है, अगर कोई पुल बैक आ गया बड़ा सा और फिर नीचे जाएगी तो आपको जो है वापिस वो ट्रेड पैसा देके जाएगी, या तो जो पैसा लेके गई है, मतलब समझो ये आपका 25-30 पॉइंट लेके गई है, तो वो वापिस दे देगी और प्रॉफिट्स भी देके जाएगी, या आपको जो है वापिस वो आपका जो पैसा लिया है वो लेके वापिस दे देगी। दो चीज हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो है ना, ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई छोटे एसएल में भले छोटे एसएल के साथ दो बार एंट्री है ना करोगे चलेगा, लेकिन बड़े 100 पॉइंट के एसएल के साथ बैठना कोई समझदारी नहीं है। दूसरी बात क्या ऐसा हुआ, आप समझो ऐसा हुआ तो मंथली पूरे मंथ का आप निकालोगे ना मंथली, तो आपका जो है ना एसएल जो लगा होगा ना वो भी रिकवर दिखेगा आपको कि भाई एसएल है वो भी रिकवर है। अभी मंथली में समझो आपने यहाँ पर भाई एक एग्जांपल के तौर पे 1000 पॉइंट आपने लिए पूरे मंथ में, ठीक है, भाई आज समझो 100 पॉइंट की रैली मिली बैंक निफ्टी में, तो आपने उसमें से जो है 50 पॉइंट ले लिए, 60 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली थी, ठीक है, क्रूड ऑयल में 50 पॉइंट की रैली थी, तो जितने भी आप हैं ये जितने भी आप उसमें से अगर कोई पूरे तो नहीं ले पाएगा, लेकिन जितने जितने ले पा रहे 50 पॉइंट समझो ये 200 पॉइंट है तो उसमें से 70 पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड में गया मार्केट और ले चुका उसमें से। तो ये सारे का है ना आप एक हिसाब रखो अपने एक्सेल में कि मैंने इतने पॉइंट्स रिकवर कर लिए, मतलब आप पूरा डे वन से जो आप लिखते जा रहे हो आपका जितना भी ट्रेड लिया, सिर्फ क्या करना है एक मिनट का काम है आपका, जो भी है स्ट्राइक प्राइस लिखो आज के ट्रेड का, ने उसका जो है आप वहां पर लिख के रख दो कि भाई मैंने ये ट्रेड लिया था इतना इतना पॉइंट आया, दैट्स इट, बंद करो। तो पूरे मंथ में जो है ना आपके समझो 1000 पॉइंट अर्निंग हुए और उसमें से अगर मार्केट ने 200 पॉइंट ले भी गई ना तो भी 800 पॉइंट आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप समझे मेरी बात। लेकिन बंदे को क्या लगेगा, वो पहले दिन ही एंट्री लिया है, तो मैंने अगर देखूं तो मार्च महीना जो आज एंड होने वाला है, ठीक है, मार्च महीने में मैंने एग्जांपल 500 पॉइंट कमा के दिए सब लोगों को, लेकिन हुआ क्या कि भाई ऐसा हो गया कि जिसने पहला दिन ज्वाइंट किया और उसी दिन ही वो एसएल लग गया, तो उसको क्या लगेगा कि भाई मेरा तो एसएल, लेकिन ओवरऑल तो जो है मैंने 500 पॉइंट कमा के दिए, तो वो किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के सबके लिए अच्छे की बात है कि आप लोग ये बना के रखें ताकि आप लोगों को खुद को भी पता चले कि क्या मैं वीआईपी ग्रुप को रिन्यूअल करूँ या ना करूँ, मुझे मिल रहा है क्या, मेरे को जो मैंने पे किया है पैसा वो मेरा रिकवर हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट्स आ रहा है, दैट्स गुड। अगर आपको समझो भाई आपने एक्स अमाउंट आपने वीआईपी ग्रुप की पे की, ठीक है, ये रिकवर हो गई, उसके बाद आपको प्रॉफिट्स दिख रहा है, तो आपको खुद को आइडिया रहेगी कि भाई मैंने कमाए हुए पैसे में से ही रिन्यूअल करना है, मेरे को तो घर का पैसा लगाने नहीं है, ठीक है। तो ये होगा कब, जब आप पूरा एक एक्सेल शीट बनाओगे उसमें लिखोगे, उससे दो फायदे हो जाएंगे कि आपको खुद को भी पता चलेगा कि कितने ट्रेड्स मेरे जो है मैंने लिए, कितने पॉइंट्स कमाए। अगर आपने 500 पॉइंट की जो पूरे मंथ की रैली है उसमें से आपने 300 पॉइंट ले चुके हैं,
सॉरी 400 पॉइंट ले चुके हैं तो उसमें से 50 पॉइंट गए तो 350 पॉइंट आप प्रॉफिट में, 1000 पॉइंट की रैली दी तो 1000 पॉइंट के अंदर से 800 पॉइंट आपने कमा चुके हैं, 200 पॉइंट चले भी जाएंगे तो कोई गम नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे मंथ में आप हो वीआईपी के साथ जुड़े हुए तो उसके कोई भी एसएल लगने पर आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पूरे मंथ से जो है हैप्पी वीकेंड करके आ रहे हैं। अगर आप देखें तो कितने हैप्पी वीकेंड है, आप जाकर ग्रुप में से ओपन करके देखेंगे, सारे के सारे हैप्पी वीकेंड करके गए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखें कि अगर कभी मार्केट ने कोई मूवमेंट अच्छी सी नहीं देता, दे देता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई, ठीक है, अपने को जो है 25-30 पॉइंट मिले कोई ठीक नहीं, तो दूसरा ट्रेड भी जो है मुझे लगा कि भाई मार्केट ने अच्छी यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी दे दी तो मैं एक दूसरा ट्रेड भी पोस्ट कर देता ताकि भाई आगे का किसी ने एक ट्रेड लिया नहीं लिया मिस कर दिया है छोटा पॉइंट है तो दूसरा एक ट्रेड लेकर जो है घर जा सकता है। याद रखें मार्केट बार बार मौका देती नहीं है ऑप्शन बायर को, ये बात याद रखें, ट्रेड मिस हो गया खत्म कर दो। अब जब वो लेवल्स नहीं आए तब तक आप रीएंट्री ना करें। लेवल्स कैसे आपको देखना है कि भाई समझो यहां से आपने एक ट्रेड मिस कर दिया, समझो फॉर एग्जांपल 375 अपना है, 376 का आपने यहां पर बाइंग लिमिट रख दी, ठीक है। अब ये चला गया यहां पर 400 चला गया तो अब ये वापिस 375 आया है तब आपको एंट्री नहीं करनी, ये इसके नीचे चले जाना चाहिए 340 चले जाना चाहिए और फिर जो है ये तोड़े वापस से अपने लेवल्स को क्रॉस करें तब आप जाइए, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि 400 से 375 आ गया तो हम ले, उसके नीचे चले जाना चाहिए तो ये आप कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि डीके बहुत ज्यादा होता है, ये आप समझे ये चीज को। अगर पावर होगा वो बायर्स या सेलर्स जो भी अपन ने ट्रेड दिया तो वो क्रॉस करेगा वो लेवल्स को, तब तक आपको नहीं जाना है, समझे आप मेरी बात। तो अगर किसी ने मिस किया तो ये ना लिखे कि सर मिस हो गया क्या करूं, समझा दिया है कि अगर वो मिस हो गया ट्रेन चली गई उसका खुद प्रोफेसर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा खुद का भी मिस हो जाता तो मैं खुद नहीं कर सकता, रूल्स जाने दो चला गया तो। अब वो घूम के अगर आ गया और अपन ने धाक लगा काट अपने जो है घाट लगा कर बैठे हैं और अपने को वापिस से वो लेवल्स मिल रहा है तो ठीक, वरना जाने दो, गया तो गया क्योंकि वो मौका गया। मार्केट कोई जो है ना, ये जो जितने भी ग्रुप वाले होते हैं बोले भाई हम रोज के दो ट्रेड देंगे, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, मार्केट मौका देती नहीं है बार बार, ठीक है। आपको एक दो मौके बहुत हो चुके हैं ऑप्शन बायर के लिए, ध्यान से सुने, ऑप्शन बायर को उससे ज्यादा मौका देती नहीं है, उसके बाद ओवर ट्रेडिंग और उसके बाद तो यह गैम्बलिंग हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें ऑप्शन बायर कमा सकता है वैसे मूवमेंट जो है मार्केट एक से दो उससे ज्यादा नहीं देती है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर इन केस कभी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर मार्केट अगर प्लस होके जाती है, प्लस होकर जाती है और नीचे आ जाती है, ठीक है, छोटे एसएल के साथ ही बैठना है, री एंट्री करेंगे लेकिन लॉन्ग उसको होल्ड करके नहीं रखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इन केस आप लोगों का मिस हो जाता है तो यू शुड वेट, क्या अगर वो वापस मेरे लेवल के पास आएगा तो ही मैं लूंगा। वो भी कैसे भाई, 400 तक चला गया 375 वाला और आपने यहां पर 400 से नहीं, मतलब आपने ये 375 आया तो आप ले लेंगे, वैसा नहीं करना है, उसके नीचे जाना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। वो जाने के बाद फिर निकले तब आप एक बार उसमें जो है आपकी मिस हो गई एंट्री आप री एंट्री करें। याद रखें कि भाई री एंट्री जो है उसमें अगर आपको फिर से मार्केट ने 30 पॉइंट दे दिए तो निकल जाना, उससे ज्यादा उसको होल्ड मत करना। री एंट्री ट्रेड एक बार जो सीरीडी का रस निकल चुका है, दोबारा निकालने जाएंगे तो इतना रस नहीं निकलता है, सीरीडी का जो रस होता है ना वो एक बार निकल जाता है, ठीक है। आप बार बार उसको मशीन में डालेंगे तो फिर जो है उसका रस कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखें। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जितने भी यहाँ पर सारे पूरा चिट्ठा आप लोगों के सामने पड़ा है, पूरा का पूरा चिट्ठा, बराबर, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने पड़ी हुई। किसी का माइक चालू है? ये सारा चिट्ठा आप लोगों के पास पड़ा है, ठीक है। आप लोग कोई भी लाइव स्ट्रीम को जाके देखें, लाइव स्ट्रीम बोल रहा हूँ, ये पूरा जो है ग्रुप्स को जाके देखें या देख लें कितने ऐसे लगे चुके हैं। अगर आप लोग उसको देखेंगे कि पूरे मंथ के अंदर, समझो कि भाई मैं एज्यूम करता हूँ ये एक्चुअली
पूरा एसएल समझो, एक एसएल पूरा होगा एक मंथ के अंदर, ठीक है। आप लोग खुद उसमें तपास कर लेना कितना एसएल है, ठीक है। एक एसएल यहाँ पर एज्यूम करते पूरा मंथ यहाँ खत्म होने का है, फेब्रुवरी मंथ, ये जैन जैन का समझो एक या दो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद तपास कर लेना, अगर किसी को भी यहाँ पर बैक टेस्टिंग करनी है और वन मंथ आपको एक्सटेंड करना है तो आप लोग देख लेना जैन फेब, ठीक है, और मार्च, ठीक है। और ये दो साल इससे पहले की भी पूरी हिस्ट्री पड़ी है, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, पूरा वीडियो भी है। सारे मंथ के अंदर जो है ना भाई, पूरे मंथ के अंदर वो ऐसे ही एसएल लगे हुए हैं भाई, एक लगा होगा, किसी में दो लगा होगा, किसी में तीन लगा होगा, या किसी में जीरो एसएल लगा होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा होगा, ठीक है। पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ। तो अगर पूरे मंथ में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे कि पूरे मंथ में आपके पास 20 ट्रेड आए, उसमें से आपने तीन ट्रेड मिस कर दिए, मैं बोल रहा हूँ याद रखें, तीन ट्रेड मिस कर दिए, अब कितना बचा 17 ट्रेड, ठीक है, 17 ट्रेड में से आपने 20 ट्रेड में से तीन ट्रेड मिस कर दिए, और ये 7 ट्रेड में से मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर तीन ट्रेड का एसएल लगा, ठीक है, तीन ट्रेड का एसएल लगा, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 14 ट्रेड का रहेगा। आप समझे, समझे मेरी मेरी बात, ये मिस कर दिए, अगर वो मिस नहीं करते तो और भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने है कि जनवरी का कितना लगा है, फरवरी का कितना लगा है, मार्च का कितना लगा है। आप में से कोई भी जो है होमवर्क करे तो मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना कि सर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा और जो है मैं देख लूंगा कितने एसएल लगे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट आप लोगों को में से किसी को भी याद भी नहीं है कि एसएल कब लगा है, मतलब आप समझ लो एक्यूरेसी कौन से लेवल पर जाकर जो है बैठी हुई है, ठीक है। और एसएल यहाँ पर आप लोग को मालूम है कितने छोटे छोटे हैं और वहां पर टारगेट जो है कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग वहां पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट्स यहाँ पर मार्केट देती है और प्रीमियम्स कैसे जंप हो रहे हैं और टारगेट उसके सामने एसएल कितने छोटे छोटे हैं आप लोगों के सामने, ये सारी चीजें आप लोग देखना वीआईपी के अंदर। वीआईपी का ट्रेड मिस हो चुका तो आपको कैसे करना है, वीआईपी में अगर किसी ने कमाया है और वापस उसको ट्रेड करना है तो उसका भी रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, समझो यहाँ पर ध्यान देना। सब लोग को आवाज आ रही है, माइक ऑन करके एक बार अपना जो है फीडबैक दे दें। ओके गुड, अभी समझो कि आप हैवी ट्रेडर्स हो, आप सभी में से जितने हैवी ट्रेडर्स हैं मुझे नहीं पता लेकिन आप हैवी ट्रेडर्स की कैटेगरी में हैं। आपने यहाँ पर ये ट्रेड्स लिया, ये वाला आज आपने ये समझो ये ट्रेड्स लिया आपने और ये ट्रेड्स के अंदर ये 376 पर आपकी बाइंग थी, 376 पर आपकी बाइंग थी और ये ट्रेड समझो 420 पर आया, आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है, निकाल दिया और वापस से ये मार्केट अपनी बाइंग लेवल से भी नीचे घुस चुका है। याद रखें सेफ ट्रेडर्स मिल चुका है, घर चले जाए, हैवी ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, आ चुका है, दो टारगेट्स दे चुका है लेकिन वापस आ गया है नीचे बाइंग, तो घाट लगाकर वापस बैठे हैं इसके ऊपर, ये वापस पैसा देके जाएगा आपको। पर अब की बार आपके फर्स्ट टाइम जो है आपने समझो चार लॉट लिए हैं तो अब की बार है ना एक लॉट से ट्रेड करने, ये बात समझे, ठीक है, री एंट्री है, आप समझे, री एंट्री में इतना जो है आपको बूस्ट नहीं मिलेगा लेकिन मिला तो वो एक लॉट भी आपको अच्छा पैसा देकर जाएगा। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम में टारगेट टू टारगेट आपने चले अच्छा पैसा कमा लिया, 6-8 हजार रुपए आपके अकाउंट में है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके अंदर एक लॉट से दो लॉट से जिसकी कैपेसिटी, जिसने इससे पहले कितने लॉट से पैसा कमाया है उतने लॉट से दोबारा वो वापस वो लेवल्स के पास आता है तो कर सकते हैं। लेकिन याद रखें पहले से कम लॉट होने चाहिए और एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ताकि जो भी 6,000-8,000 कमाए हैं अगर वो ट्रेड्स अगर फॉल्स हो जाता है तो आपके 6-8 हजार में से 1,000-2,000 ही जाएंगे, पूरा पैसा नहीं जाएगा, वो भी आप रिस्की ट्रेडर्स हैं, हैवी ट्रेडर्स हैं, तो ये टेक्निक्स आपके पास हैं, आप फिर से वो चीज को कर सकते हैं वीआईपी ट्रेड्स के, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं याद रखें इतने खतरनाक लेवल्स होते हैं, या तो तोड़ेगा तो बड़ा मूवमेंट है या तो वहां से जो है छोटे एसएल, इसीलिए कि या तो वहां से जो है घूम जाएगा, वो सपोर्ट्स हैं इतने खतरनाक, अगर टूटा बहुत ही खतरनाक मूवमेंट आएगा नहीं तो वहां से घूम जाएगा और घूम गया
तो फिर जो है अपन छोटे एसएल के साथ निकलेंगे। जनरली मार्केट के पूरे सेंटीमेंट्स और सारी चीजें देखकर अपन ट्रेड्स लेते हैं, ताकि अपने जो लेवल्स हैं उसको तोड़ के मार्केट नीचे जाए, अपने फेवर में वो ट्रेड्स रहे और तगड़ा अपने को प्रॉफिट्स देकर जाए। तो पूरा ये वीआईपी का पूरा जो है सिस्टम ऐसा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंप्लिसिटी से मैं समझा रहा हूँ ये सारी चीज है। कोई भी दूसरा और कोई ग्रुप इतनी सिंप्लिसिटी से लिख कर नहीं ट्रेड्स देता है, ठीक है, कुछ भी एक लाइन में लिख कर देता है, बंदे को ढूंढना पड़ता है कि एसएल कहाँ है, टारगेट्स क्या है, क्या क्या हिसाब किताब है। चलिए अभी एक बार है ना रूल्स पढ़ लेते हैं और सबके जो है यहाँ पर आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देंगे, और आप लोग अपना अपना जो भी क्वेश्चन है वो रेडी रखना, ताकि यहाँ पर जो है आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो पाए। देखो ये इक्विटी कमोडिटी है, याद रखें मैं इस ग्रुप के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसका भी ट्रेड्स डालता था और सिल्वर का भी डालता था। नेचुरल गैस और सिल्वर्स मैंने बंद कर दिए क्योंकि हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं और 1500 रुपए में इतने सारे ट्रेड देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्रूड के ट्रेड जो है मैं समटाइम्स ही डालता हूँ, वो आप लोगों के लिए बोनस है। जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं वीआईपी के अंदर, वो आप लोगों के लिए बोनस ट्रेड है कि आप उसमें करें, क्रूड्स में करना है तो ठीक है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ग्रुप है, क्रूड्स के ट्रेड्स जो है मैं बोनस में डालता रहता हूँ, क्योंकि उसमें जब बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आती हैं तो उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जो डाला था 50 पॉइंट डे के गया है, ठीक है, इधर क्रूड्स का ट्रेड्स यहाँ पर डाला था, ठीक है, 50 पॉइंट डे के गया था, मुझे नहीं लगता उसके बाद जो है उसको ओवर ट्रेड्स करना चाहिए। ये वाला ट्रेड्स था, ये वाला, ये देखो ये 350 नहीं, इसके वाला था, ये वाला था, वो तो एक्टिव नहीं हुआ था, ये वाला देखो, ये वाला ट्रेड्स था, ये क्रूड ऑयल है 17 अप्रैल, ठीक है, 500 वाला ट्रेड्स बाय अबाउट 240, ये कहाँ तक गया है, 290-300 तक गया था, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लो एक पॉइंट का कितना रुपया है, ठीक है, अब आपको कितना यहाँ पे 50 पॉइंट की रैली मिली और बहुत ही फास्ट मिली थी, ठीक है, मतलब आप ट्रेलिंग करने जाओगे तो भी जो है प्रॉफिट्स में ही आपका ट्रेड्स निकला होगा, इतनी फास्ट जो है वो मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली थी, और सबको मौका भी मिला था इसमें ट्रेड्स लेने के लिए, काफी टाइम तक वहीं पर ही रुका था। अच्छा, तो ये जो है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि क्रूड जो है बोनस ट्रेड है, ठीक है, कोई भी इतने अमाउंट्स में जो है सभी नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर आप सब लोगों के डाउट्स ले लेते हैं। याद रखें, देखो यहाँ पर सारी चीजें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बी अलर्ट इन मार्केट अवर्स। अब पता चला कोई ऐसा बोल रहा है सर मेरा तो मिस हो गया, क्या करूं? अरे मार्केट अवर्स के टाइम पर तो एक्टिव रहना है, तभी तो आप जो है मार्केट में ट्रेड्स कर रहे हैं, तभी तो आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। याद रखें, कॉल पुट जो भी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है भाई, इतना खतरनाक है, या तो वॉशरूम जाना है तो पहले वॉशरूम जा लो उसके बाद ट्रेड लो। अगर इन केस आप जॉब कर रहे हैं, किसी ने आपको बोला फोन आ गया, ये आ गया, याद रखें कि जिस फोन से आप ट्रेड्स कर रहे हैं अगर आपको उसमें फोन आ गया तो आप या तो लाउड्स पर रखकर उसके ऊपर नजर रखें, ठीक है, ऐसा ना करें फोन लगा दिया, हेलो हेलो बात करते रहे और वहां पर आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट्स में आके लॉस में आ चुका, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो एक टाइमिंग बॉम्ब के हिसाब से है, उसको बिल्कुल हल्के में ले नहीं सकते हैं, बहुत ही खतरनाक है। आपको जो है उसमें से एग्जिट करने के बाद ही जो भी आपको प्रोसेस करनी है, आप आपकी लाइफ में जो भी प्रोसेस करनी है वो करें, लेकिन ऑप्शन को एग्जिट करने के बाद, इतना ही खतरनाक है। बाकी आप लोग जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है, कि ऑप्शन ट्रेड जो है उसको कभी भी होल्ड करने के बाद कोई काम ना ले, इनकेस एंट्री मिस वेट फॉर नेक्स्ट लेवल्स, ठीक है। अब समझो ये यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई एंट्री मिस हो गई है तो कोई न्यू ट्रेड्स की वेट्स कर, कोई न्यू ट्रेड्स अगर मैं दे रहा हूँ, अगर अपना कोई ट्रेड्स हो गया कि भाई मैंने ट्रेड्स डाला और एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, तो न्यू ट्रेड्स की वेट करें। अगर आपकी एंट्री मिस हो रखी है तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई वो नेक्स्ट लेवल्स वापस वो आता है वहां तक की आप वेट करें, उससे पहले उसमें जल्दबाजी में ना जाए, नहीं तो चलती ट्रेंड में चढ़ेंगे तो चोट लग सकती है। विदाउट लॉजिक डोंट टेक ट्रेड्स, डोंट टेक पोजिशन ऑटोमेटिकली, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रेडिंग रूल्स। यहाँ पर है ना, कोई आपको समझ में आ रहा है कि भाई आप ट्रेड्स देख रहे हो, आप भी अपने हिसाब से कोई एनालिसिस कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कोई ट्रेड्स आपने जो लिया है आपको भी समझ में आ रहा है, तो आप उसमें एंट्री करो, वरना तो वीआईपी तो आपके पास है ही। अगर वीआईपी ने भी आपको दिया गया पुट साइड है, आपका लॉजिक भी आपको पुट साइड बोल रहा है, तो आपके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इन केस आप वीआईपी ट्रेड्स के बाद भी ट्रेड्स कर रहे हैं तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी विदाउट रीजन और लॉजिक के ट्रेड्स ना करें, ठीक है। चलो, वंस इनफ द डे प्रॉफिट्स प्लीज लॉग आउट योर ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपका दिन में अगर अच्छा पैसा आ रखा है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, मोबी क्विक लिखना
और उसमें जाकर देखना 12% दे रहा है, एफडी 7% दे रहा है, आपको उससे ज्यादा अमाउंट मिल चुका है। अगर आपको ये मनी की जो है साइकोलॉजी समझ में आ रही है कि भाई अगर एफडी में मैं पैसा रखता तो मुझे 7% मिलता, मोबीक्विक की जो एप्लीकेशन अभी खोल के रखी है वो लोग ने, अगर उसमें रखूं तो 12% मिलता है, म्यूचुअल फंड में रखूं तो 15% मिलता है, अगर मुझे उसके बराबर मिल चुका है 12% 15% 10% ये वो भी दिन का, तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ रहा हूँ, अपना अकाउंट क्लोज करके बंद कर दें, अपने पैसे को घर लेके जाएं, क्योंकि रोज का इतना मिल चुका है तो ऐसा ना करें। वो ईयरली की बात कर रहा हूं मैं, जितना भी है वो 12% ईयरली है, ठीक है, तो आपको ये रोज का मिल रहा है तो इतना आप समझ रखें अपने आप में कि भाई वंस इनफ द डे प्रॉफिट्स प्लीज लॉग आउट योर ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड जो है आप लेस क्वांटिटी में करें मेरे दोस्तों, ज्यादा ना करें क्योंकि उसमें जो है डीके बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है। ट्रेड ओनली 2 लॉट्स, ठीक है, टारगेट्स 1-8। अगर आप 2 लॉट से कम ट्रेड्स कर रहे हैं तो पहला टारगेट आता है 1 लॉट को सल्टा दो, दूसरा टारगेट को या तो आप ट्रेल करके रखो या तो आप उसको कॉस्ट पे लगा के छोड़ दो। एक का तो पैसा मिल ही चुका है, दूसरे ट्रेड में आएगा बड़ा पैसा आएगा, वरना तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, ठीक है, बात खत्म, एकदम सिंपल, कोई हाइपर और कोई भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर। चलो, और स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट लेवल्स, याद रखें आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद जो है उसका जो है प्रोसेस इज योर पनिशमेंट, खतरनाक जो है वो प्रोसेस में फंस जाएंगे, और नहीं आपने लेवल्स को फॉलो किया तो दिक्कत ये है कि फंसे हुए रहेंगे वो ट्रेड्स में, जो ट्रेड्स एक्टिव ही नहीं हुआ, ठीक है। बाकी हैवी ट्रेडर्स की बात अलग है कि वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, भाई वो डायरेक्शंस को फॉलो करके चल रहे हैं, तो दैट इज सेकंड स्टोरी। लेकिन सेफ ट्रेडर्स आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेवल्स को, एग्जांपल बाय अबव हंड्रेड्स योर बाइंग लेवल्स, तो 101 आपको रखना है, ये मैंने यहाँ पर ये लिखा है वो इसके लिए, ये BA का जो है ना, BA बाय अबव, काफी लोगों को पता नहीं होता है कि बाय अबव क्या है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, वो यहाँ से इधर चला गया है, ठीक है। चलिए, सो डोंट बी सो ग्रीडी, डोंट ओवरट्रेड, आप जो है ज्यादा कोई भी लालच ना करें, मार्केट जो है एक बार नोटिस कर लेती है कि भाई फला आदमी जो है पैसा लेके गया है, ओवर ट्रेड ना करें, बंद कर दें अकाउंट, क्योंकि उससे ज्यादा मार्केट मौका नहीं देती है, विश्वास कर लें मेरे एक्सपीरियंस का, बाकी मर्जी आप लोगों की। If you are a new trader, if you are a new in this group, 2 days observe all trades and targets, ठीक है, अगर नए हैं तो आप एक बार उसको 2 दिन देखें मार्केट्स को, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेड्स को कि कैसे हमें ट्रेड्स करना है। डोंट पुट ऑल इन, कीप मनी एवरेज योर ट्रेड्स, एक सेकंड क्या लिखा है, डोंट पुट ऑल इन कीप मनी टू एवरेज योर ट्रेड्स, ये जो है यहाँ पर शायद मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या सिस्टम है। पहले जो है एक मैंने इससे पहले जो पुराना ग्रुप्स था उसमें मैंने ये चीज लिखी हुई थी कि भाई इसमें काफी हैवी ट्रेडर्स बहुत सारे थे, तो उसमें काफी लोग पूछते थे, तो उसमें मैंने ये लिखा था कि भाई अगर अपना जो ट्रेड्स हैं अगर वो अपने जो एक अपना जो क्या बोलते हैं SL के पास आ रखा है और SL के पास हीट होकर अगर जा रहा है, मतलब समझो उसके पास आ रखा है और नहीं हीट हो रहा है, तो आप वहां से जो अगर ऊपर जा रहा है तो आप उसे एवरेज कर ले वहीं पर, क्योंकि वो आपके पास एक मौका रहेगा एवरेज करने का। क्योंकि मैं ग्रुप्स के अंदर काफी टाइम्स लिखता हूँ कि भाई मार्केट जो है काफी बियरिश रहने वाला है, काफी ट्रेंडिंग रहने वाला है, तो वो ये जो लिखा हुआ है वो उन लोगों के लिए कि जो हैवी ट्रेडर्स हैं उसके अंदर वो ट्रेड्स कर सकते हैं कि जो उसमें एवरेज कर सके, अगर वो आ रहा है SL के पास नहीं हिट हुआ और रिवर्स नहीं चला गया तो आपके वो ट्रेड्स को आप जो है पूरा ऑल इन ना करें, पर उसको आप एवरेज कर सकते हैं, आपके लिए वो काम का नहीं है। जो हैवी ट्रेडर्स हैं और तो अगर उनको करना है तो कभी मुझे मैसेज या कॉल कर दें तो उसको मैं समझा दूंगा कि उसको कैसे करना है, बाकी वो खतरनाक है, उसको एवरेज करने का मैंने लिखा हुआ है पर रूल के हिसाब से। चलिए, CMP करंट मार्केट प्राइस है, BA मतलब बाय अबव, ये सिंपल है लेकिन काफी लोगों को नहीं पता, SL मतलब स्टॉप लॉस है, और ये सारे के सारे मैंने बैंक निफ्टी और उसके सारे टारगेट्स दे रखे हैं, ठीक है, SL में जो ट्रेड देता हूँ उसमें देता हूँ, निफ्टी उसके टारगेट्स दे रखे हैं, क्रूड ऑयल उसके टारगेट्स दे रखे हैं। अब आप ये बात समझे कि ये जो टारगेट है ना ऑप्शन के वो फिक्स रखे हैं इसलिए ताकि
इतना तो आप लेकर ही जाए, ठीक है, उतना मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने जो इतने टाइम से मार्केट के ऑप्शंस को देख रहा हूँ, वो उतना तो घूमता ही है और आपको पैसा देता है, ठीक है। इन केस ऐसा होगा कि भाई समझो कि भाई वो नहीं घुमा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत रेयर केस में होता है, मतलब आप समझो कि अगर उसका बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको 87% 80-90% जो है आपको वो देगा, उतने पॉइंट ऑप्शन घूमता ही है, पर आपने किसी ने बुक नहीं किया तो वो जो है आपके हाथ से आया हुआ पैसा वापस मार्केट ले लेती है। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी लापरवाही ना करें, ये जो मैंने लिखे हैं टारगेट्स उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि मार्केट ने इतने टाइम से जो मैंने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है वो इतना तो घूमता है, और इतना घूमता है तो उसमें आप अपना लॉट को जो है एक-एक को सलटाते रहें, लॉट को जो है बुक करते चलें, उस हिसाब से चलते जाएं जो मैंने यहाँ पर इतने टाइम से एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट के ऑप्शंस इतने घूमते हैं, पैसा आपको मार्केट देगी ही देगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसको सेशन चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर का, कि अगर आपको ये जो मैंने बात की इसमें किसी के कोई डाउट्स हैं तो मुझे पूछें, किसी को कोई भी डाउट्स हैं पूछते रहें, किसी का कोई भी यहाँ पर ये समझाया उसमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई नए कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन है यहाँ पर फर्स्ट मेंबर्स? जी रजत जी। सर ये मैं बोल रहा था, जैसे आप ग्रुप में डालते हो ट्रेड डालते हो तो आप ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होते हैं वो भी डाल दिया करो साथ में, हमें पता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास है ना बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास है ना मेरा खुद का भी चल रहा है, एनालिसिस कर रहा हूँ और लाइव मुझे करना है, और ये यहाँ पर VIP को मुझे संभालना है। अब होगा क्या कि मैं पूरी सारी चीजें जो है मैं एक साथ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर हिंट देता हूँ, मार्केट ट्रेंडिंग है, डाउनसाइड जाने वाला है, ट्रेड्स तो आपके सामने नहीं दिया है ऑप्शन का किस हिसाब से पूरा क्या क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीजें लिखना मुश्किल है क्योंकि व्हाट्सएप पर भी देना है, टेलीग्राम पर भी देना है, दोनों साइड देना है, एक ही चीज देनी है, जल्दी देनी है, सभी लोग, कोई ऐसा ना बोले कि सर मुझे ट्रेड्स मिला नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे मिला नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए मैं दो चला रहा हूँ, किसी को मौका ही ना मिले सर मुझे ट्रेड नहीं मिला। हाँ अगर से तूने फोन नहीं देखा तो बात अलग है, बाकी मार्केट अवर्स में पहली लाइन लिखी अलर्ट रहना है, ट्रेड्स आपको मिलेगा तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, तो सारी चीजें मैंने ऑप्शन बायर के हिसाब से सारे लेवल्स तो दे रखे हैं, लेकिन उतना जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे मेरा ट्रेड्स भी लेना है, आप लोगों को भी देना है, इसमें टेलीग्राम पर भी देना है, उसके लिए नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे को काफी फोन भी आया है, मेरे को काफी लोगों पर्सनली भी आया कि सर आप जो है मैं फ्यूचर में ही ट्रेड्स करता हूं, मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, ऐसा मेरे को जो बंदे लोग ने उन्होंने बोला, तो सर आप मुझे जो है ट्रेड्स दे सकते हैं, मैंने उसको बोला कि मैं ऑप्शन वाले को ही ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं, फ्यूचर वाले के नहीं, अगर आप फ्यूचर में हैं तो आप ऑप्शन का देखकर ट्रेड्स ले लें, उसमें एक्टिव हो गया है तो आप वहां से ले लें, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इतना सब कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालें, ऐसा बाकी तो लाइव है ही, लाइव में तो अपन जो है पूरा एनालिसिस करके गेम बजा ही देते हैं, ठीक है, आप लोग देख ही रहे लाइव में जो धमाल चलती है, धमाल चलती है, जो देख देख कर जो है ना इंसान देख कर भी सदमे में आ जाता है यार, मैंने सर ट्रेड लाइव वाले में तो सर ट्रेड वैसी फड़ू होती है अपनी, लाइव का तो है ना, लाइव में जो है ना आप समझो अपन जो लाइव कर रहे हैं ना वो प्लेट प्लेट गेम खेल रहे हैं, और VIP ना सीधा सिक्सर है, ठीक है, मिला ना 100 पॉइंट लाइव में, मिला 100 पॉइंट मुझे बताओ, नहीं नहीं जो वहां तक कोई रुक ही नहीं सकता, वहां तक कोई रुक ही नहीं सकता, लेकिन आज की ट्रेड सीधा 100 पॉइंट देती है, ये वीकेंड भी अपना हैप्पी वीकेंड गया, समझे आप मेरी बात, मतलब चलता है ना, तो वो पूरा पूरा ना ये दो सिस्टम समझ में नहीं आता है लोगों को कि VIP पूरा डिफरेंट है, वो सिक्सर और चौके लगाने वाली चीज है, लाइव जो है वो पूरा प्लेट प्लेट खेलने की चीज है, जिसमें दोनों फायदे होते हैं, लाइव भी चलती है VIP भी चलता है, लेकिन VIP वाला जो है कोई जो बंदा होता है जिसको समझ में नहीं आता है, सर लाइव में ट्रेड चला गया VIP में क्यों नहीं दिया, बस VIP में देखता वो लाइव तुरंत ही भाग जाता है, किधर पकड़ता तो तो पूरा जो ना दोनों सिस्टम अलग है, और अल्टीमेटली VIP ग्रुप सभी के लिए फ्री हो चुका है क्योंकि उसका प्राइस इतना कम है यार, आप देखो यार निफ्टी के 30 पॉइंट है यार, आप मुझे बताओ, और उसमें साला क्रूड भी डालना है, निफ्टी भी डालना है, बैंक निफ्टी भी डालना है, प्रोफेसर से फोन पे बात भी करना है, सर मेरा ये पोजीशन हो गया क्या करूं, रूं के नहीं रूं, क्या करना है समझ में ना, तो बहुत सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करके रखी है, लेकिन
बंदे को उसकी कदर नहीं है वो चीज के लिए, क्यों क्या हो जाता है भाई, वो अल्टीमेटली ग्रुप फ्री है, महीने में एक ट्रेड लेगा तो भी निकल जाएगा पैसा, तो भी नहीं हो जाएगा। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने ट्रेड नहीं डाला, ओकेशनली कभी मार्केट जो है साइडवेज हो रखी तो बात अलग है, बाकी जो है ऐसा होता है कि ट्रेड्स डाला लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, पर एक्टिव नहीं होता जी, हाँ एक्टिव नहीं होता वो बात है, लेकिन लेकिन क्या है कि कोई दिन ऐसा नहीं गया कि नहीं डाला हो, तो हर दिन अगर देखें ट्रेड्स डाले हैं तो हर दिन का देखे तो 30 पॉइंट और कितने पॉइंट्स की रैली है, आज का ही बैंक निफ्टी देख लो इतना है तो क्या करेंगे, निकल जाएगा आराम से पैसा। सर हमने तो वीआईपी लिया था स्टार्टिंग में ही, जब मतलब 1400 का करीब वीआईपी पड़ा था, नहीं उस टाइम तो वो था ऑफर चल रहा था पहले तो स्टार्टिंग में, सर 15,000 रुपए निकाले थे मैंने फर्स्ट डे। अच्छा पहले दिन सर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं 1500 मतलब फीस इतनी है तो 10 गुना तो मैं ऊपर लेके बैठा हूँ तो सर क्या ले स्टार्टिंग में सर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था ये सोच के। एक्चुअली देखो ये ही चीज के लिए रखा है कि भाई नॉर्मल बंदा जो है ना कर पाए, अभी मैं चाहूँ 5,000 रख दूं वो बेचारा पहले तो मेरी फीस कवर करेगा तब जाके उसके पास पैसा आएगा, मेरे को वो नहीं कर रहे हैं। अपना धीरू भाई अंबानी जी जो है ना उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आपको धंधा करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, देखो अपन खाली मार्केट के अंदर एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, रियल लाइफ में भी आपको स्मार्टनेस यूज करनी है, उन्होंने क्या बोला अगर आपको बिजनेस करना है ठीक है तो आप एक आदमी से 1,000 रुपए लेंगे ना तो नहीं देगा, एक आदमी को बोलेंगे ना 1,000 रुपए दे तो नहीं देगा, लेकिन आपको 1,000 रुपए चाहिए तो हर एक आदमी से 1-1 रुपया लो वो दे देगा, वो दे देगा बिल्कुल सर वो देगा। अब मैं एक ही ये जो वीआईपी की प्राइस अभी मैं तुरंत बढ़ा दूं, अभी आप लोग सब इतने टाइम से जुड़े हैं, मैं कर दूं भाई 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 3,000 रुपया है भाई डबल प्राइस रहना हो तो लो, तब आप ऐसा सोचेंगे छोड़ना यार अपने तो 15,000 कमाए थे 3,000 और दे देंगे, ट्रेड तो अच्छे मिल रहे हैं तो जैसे लोग काफी आ जाएंगे, पर काफी जो छोटे बिचारे हैं यार सर ने फीस बढ़ा दी है अब जो है हमारे बस की बात नहीं सीधा डबल हो रखा है हम कैसे ले, तो वो बंदे बिचारे नहीं आ पाएंगे ठीक है, जो लोग जुड़े पुराने वो लोग तो रिन्यू भी कर लेंगे कमा लेंगे करके मालूम है हमको ट्रेड्स कैसा है, लेकिन दूसरे बंदे तो फंस जाएंगे, तो वो ऐसा है कि धंधा करना है अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको उस हिसाब से चलना होगा कि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए। बहुत बहुत ही बढ़िया थिंकिंग है ये तो, मैं मतलब इतना ज्यादा मैंने कभी इतना वास्ट नहीं सोचा पर आपके हिसाब से आज सुन के ना मेरे को मतलब रियली फीलिंग ग्लैड। थैंक यू यार, आप लोग वीआईपी मेंबर सारे जो है मेरे हाई प्रायोरिटी पर हैं, ये जितने भी है, क्योंकि देखो लाइव मेंबर्स का तो पता नहीं कब आया कभी चला गया क्या है कुछ पता नहीं है, आया तो आया उसमें से भी जो है, देखो वीआईपी मेंबर्स भी आप बने तो आए तो लाइव में से ही, मैंने कोई पेपर में एडवर्टाइज तो दी नहीं है कि भाई प्रोफेसर की वीआईपी ग्रुप चल रही है, ऐसा तो है नहीं, और जिसको लाइव स्ट्रीम पसंद है वो आ रखा है, और ऐसे भी लोग है सिर्फ लाइव स्ट्रीम से कमा रहे, कमाओ सबके लिए ओपन है, कमाओ चैनल ग्रो हो रही है, कमाओ सब लोग। देखो वो वीडियो जो मैंने आपको बताई ना, वो वीडियो जो मैंने बनाई है वो टेलीग्राम्स पर डाली है, वो आप लोगों के लिए ये चीज बनाई है क्या कि ये लाइव स्ट्रीम में ना ओपन पैसा बट रहा है, आप जिसमें स्मार्टनेस है जिसमें डेरिंग है पैसा उठा के लेके जाएगा वो देख लीजिए यार, छाती ठोक के कौन बोलेगा लाइव स्ट्रीम के अंदर कि भाई इधर से कुर्सी के बेटे मान लो मार्केट नीचे जाने वाला है, लोग ऐसे भी तो गलती कर ही रहे ना, तो जब मैं बोल रहा हूँ वहां से रिस्क ले लो 10 पॉइंट का खत्म हो गई बात, जाएगा तो 10 पॉइंट जाएगा 20 पॉइंट जाएगा खत्म, पर जब आएगा और उसको रेगुलरली आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली तगड़ा दिखेगा। कौन सी लाइव स्ट्रीम वाला ऐसा लिख रहा है कि भाई एक्सेल शीट बनाया है लाइव के अंदर, कौन बता रहा है? अरे सर मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ, आपको इतनी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है मैंने, मतलब मेरे को ये कह लो कि मेरे को 1.5 साल हो गया मेरे को ट्रेडिंग करते हुए, और मैं कभी किसी पे हम जैसे भटकते रहते थे स्ट्रीमिंग में, और पर जो एक्चुअल में होता था क्या था कि जैसे कोई कह रहा कि हाँ ये लेवल लगा रखा है मैंने इसके हिसाब से ट्रेड ले लो, पर ट्रेड ना कोई एक्चुअल में बताता नहीं था तुमने क्या करना है, क्या ऑप्शन में जाना है या तुमने किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारे को ओटीएम आईटीएम उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, तो नई नई ट्रेडिंग थी बस शौक में स्टार्ट करा हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे आपसे जुड़े जैसे तो पता लगा, और सर मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने बोल दिया ना अभी कुर्सी की पेटी बांध लो सर, आंख बंद करके ना 5 लॉट 10 लॉट ऐसे लगा के ना बैठे रहते हैं बस, ऐसा नहीं करना है, अटैक मार दिया उठा के इतना ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना रखें, पर अगर आपकी 10 लॉट कैपेसिटी खरीदने की है ना तो
ऐसा रखे कि मैं 5 लेता हूं, बाकी के अगर इसमें छोटा लगा तो मैं दूसरे 5 से कर पाऊं, ठीक है। वो नहीं करना है भाई, जो इसमें ना ये इसका है ना सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम है, कि कौन लगातार 5 दिन देखा किसी ने लाइव स्ट्रीम, उसको छठे दिन आ गया कॉन्फिडेंस के भाई लगातार जो है मैं इसमें से 3,000 कमा चुका हूँ और जो अभी सारे ट्रेड मजे से पैसे देके जा रहे हैं, तो क्या करेगा वो सारा का पैसा है ना ऑल इन कर देगा उसको। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये नहीं करना चाहिए किसी को। वो मैं रोक नहीं सकता किसी को, मुझे कैसे पता चलेगा किसने ऑल इन करके बैठा है। जी, वो तो ये बोलेगा प्रोफेसर बोला मतलब मार्केट गिरेगा, बात खत्म, वो ऑल इन करके बैठ जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, पर उसका कोई रास्ता नहीं, अब उसको खुद को मैनेज करके बैठना है। आज की अगर देखेंगे, मैंने आज का टेलीग्राम में क्या लिखा है, सबको लिख के देखे, क्योंकि आज लाइव स्ट्रीम पे नहीं था मैं, मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम में नहीं था, तो मैंने क्या लिखा है सबको यहाँ पर, अगर आप देखेंगे टेलीग्राम्स, अगर मैं यहाँ पर देखूं सब लोग टेलीग्राम्स ओपन करें, आपके अंदर देखो मैंने क्या लिख के रखा है ग्रुप में, अपना ग्रुप जो है ना ओपन ग्रुप, क्योंकि कोई आज लाइव स्ट्रीम पे नहीं आया था ना, इसलिए उसमें मैंने लिखा है। मैं आप लोगों को, कोई पढ़ के बताएगा, देखो व्हाट्सएप पर क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा, स्टार्टिंग में लिखा है आज का है ग्रुप में, जी सर ये लिखा हुआ, मैं आप लोगों को सबको हिंट दे देता हूँ, मार्केट अंडर सेलिंग प्रेशर, बात खत्म। आज के दिन जिसने कॉल लिया होगा ना वो पैसा बना के नहीं गया होगा, मार्केट ने लास्ट में देखा कितना कैमोफ्लाज किया है, ऊपर गया सीधा नीचे लाके फेंका है उसने। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, भले कैंडल्स तो ऊपर आएगी पर वो ट्रेड नहीं लेने, मार्केट अंडर सेलिंग प्रेशर में, बात खत्म। अपने को डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मार्केट बाइंग प्रेशर में डाउन साइड पे देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अभी समझो भाई मैच चल रही है, तो मैच के अंदर भाई कलर्स होते हैं, कौन से कलर्स होते हैं, बोले 6 बॉल के अंदर आपको करने हैं सिर्फ 4 रन, भाई बॉल ज्यादा है रन कम है, लेकिन गेम तब हो जाती है जब बचा है 1 बॉल, अब करना है 4 रन, गेम तब हो जाती है, ठीक है। तब तक मजा आती है भाई, वो तो हो ही जाएगा, जीत ही जाएगा, पर जब पता चलता है सारे बॉल खा चुके हैं, 1 बॉल बचा है 4 रन करने, अब बताओ अब आगे गेम पूरी खत्म, पूरा टेबल टर्न हो रखा है, जो मैच जीतने वाली थी वो हारने के कगार पर आए, मतलब पूरा टेबल टर्न हो रखा है। तो ये बात होती है जब बंदा को, जब मैंने बंदे को बोल दिया पूरे ग्रुप में कि मार्केट अंडर सेलिंग प्रेशर में, बात खत्म, तो ऊपर जाने वाली कोई भी ट्रेड लो मत, ठीक है भाई। कलर्स तो आएंगे ना, कलर टेबल टर्न हो रहा है ना, बुल बियर में फाइटिंग चल रही है, पर मालूम है सेलिंग सेलर्स जो है उसका पल्ला भारी है, तो क्यों गैम्बलिंग करने जाना अपसाइड के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को ये बंदा जिस दिन समझ गया ना, उस दिन वो मार्केट से पैसा लेकर जाएगा, क्योंकि आप उन लोगों की गाड़ी में बैठो जो ऑपरेटर्स चला रहे हैं, वो लोगों की गाड़ी में नहीं जो रिटेलर चला रहा है। बिल्कुल सर। मेरे को ऐसी एक इंसिडेंट याद है, आपका मैंने उस टाइम वीआईपी ज्वाइन किया था, आपने मेरे को आपने एक पी की कॉल दी थी सुबह 10:53 पे, अच्छा, और मार्केट उस टाइम अप जा रहा था, ओके, तो हर कोई लगा हुआ था सी 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 सी, आपने पुट की कॉल दे रखी थी, आपने पुट की ट्रेड दे रखी थी, और वो 11 बजे आपने दी थी 10:53 के आसपास, और वो एक्टिवेट हुई है, मतलब जिसने भी सी दिया था किसी की कॉल एक्टिव नहीं हुई थी, आई थिंक हार्डली 10-20 पॉइंट उनके यही चल रहे थे, लेकिन जब वो आपकी कॉल 1:30 एक्टिव हुई थी, सॉरी जो ट्रेड थी पुट जो एक्टिव हुआ था वो 1:30 एक्टिव हुआ था, आपने 10:53 पे दिया था, और आपने वहां लिखा था कि मार्केट इज अंडर सेलिंग प्रेशर, ये पुट है, ये इसका एंट्री पॉइंट है, यहां से आपने बाय करना है, और वो ट्रेड मेरा, मुझे आज भी याद है कि वो ट्रेड मेरा फर्स्ट ट्रेड था जो मेरा मिस हुआ था, और मैं आज भी उस चीज को बड़ा याद करता हूँ कि वो मेरा ट्रेड क्यों मिस हुआ था, क्योंकि वहां से निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट नीचे गिरा था। ओके। आपने पहले लिखे और आपने 10:53 पे ही वो ट्रेड दिया था कि मार्केट इज अंडर सेलिंग प्रेशर, पुट ये है, एंट्री पॉइंट ये है, आपने यहाँ एंट्री ली, और मेरा वो मुझे आज भी याद है, मेरा मिस, और वो ऑप्शन निफ्टी का 100-150 पॉइंट देके गया था, निफ्टी 100-150 पॉइंट देके गया था। ऐसा क्योंकि देखो मैं पूरा जो एनालिसिस करता हूँ, अभी रात में बैठ के पूरा होमवर्क करूंगा कि क्या क्या मार्केट का क्या हो रखा है, ठीक है, तो ओवरऑल जो है ट्रेड्स करना है अपने को, अपने को यहाँ पर परचुरन ट्रेड नहीं करना, परचुरन के लिए तो अपने पास लाइव स्ट्रीम है ही ना,
भाई इधर से ऊपर जाएगा बंबू जाएगा ले लो उठाना उठा लो, इधर से नीचे जाने वाला है जी उठा लो जिसको उठाना है वो तो है ही लाइव के अंदर। देखो लाइव के अंदर जो अपन यहाँ पर बना रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं वो एक्सेल शीट बना के रखी है, आप लोग ने देखा है ये एक्सेल शीट, देखो ये वाली एक्सेल शीट अपने पास है। आप समझो कहीं देखा है आपने कोई की लाइव स्ट्रीम में कि ऐसा कोई बना के रखा है? लाइव स्ट्रीम कहाँ गए एक्सेल शीट? देखो मैं इसको बता, देखिए ना आप लोगों ने, मैं इसको मैं सर देखिए देखिए सर, जिसमें सर सारा कुछ अपलोड कर रहे हैं उसमें सुपर चैट भी है और ट्रू एंड फॉल्स। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि कौन वो ऐसी लाइव स्ट्रीम में कौन ऐसा देखता है, मतलब कौन बनाता कौन है? देखो ये ना इतना कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए सर लाइव स्ट्रीम में ये सब करने के लिए। इसके इसमें क्या होता है पता है आप लोगों को? मालूम है आप लोगों को मैंने क्या किया इसके अंदर? मैं आपको शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो ये जो है ना, देखो ये लाइव स्ट्रीम में आप लोग को दिख रहा होगा ये वाली, ठीक है? ये सब लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग यहाँ पर हैं सुपर चैट्स दिए हैं उन लोग का पहले शुक्रिया अदा कर लेते हैं। तो ये ना आप समझो कि प्रोफेसर ने खुद के लिए एग्जिट विंडो बंद कर दिए, आप समझ रहे मेरी बात? इतना आपके अंदर वो गट्स चाहिए। देखो हर इंसान जो है ना, ये मैं इसको अभी वो करता हूँ, ठीक है? हर इंसान जो है ना इधर अपना एग्जिट विंडो ढूंढता है हर इंसान। अगर आप वो WWE की रेस में जाएंगे तो वो जो होता है ना एक रेस ऐसी होती है पूरा जो है केज होता है बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि कोई भी वो रिंग से बाहर ना जाए, या तो आर्या पार वाली गेम है खत्म, ठीक है? मर्द है तो रूम के अंदर एंट्री लो, दरवाजा बंद कर दो, अब जो जाएगा सीधी लास्ट जाएगी बार, खत्म बार। बिल्कुल सर। तो प्रोफेसर ने अपना खुद का एग्जिट विंडो ही बंद कर दिया है, बच ही नहीं सकता वो लाइव के अंदर जो है। एग्जिट विंडो बंद कर दिया ना, गलत हो गया तो लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, तो लिखना पड़ेगा, सही है, ठीक है? अब जब गलत होंगे तो लिखेंगे भाई गलत है, तो जब बंदा देखेगा कि यार प्रोफेसर ने गलत भी तो लिखा है, पर उसके सामने देखा जाएगा कितनी बार सही गिरा है, सही भी लिखा है। बिल्कुल समझा, आप समझे कितनी बार सही गिरा है, उसके सामने कितनी बार गलत हुआ है। तो ये जनता डिसाइड कर लेगी कि भाई ये करने के लिए दम चाहिए, मर्द का कलेजा चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि दूसरी लाइव स्ट्रीम वाला तो भाई अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन कुछ भी सल्ट आएगा, वो उधर जा रहा है ऊपर जा रहा है, किसी का मैसेज पढ़ लिया खत्म, बात खत्म, पैसा जब खता ही नहीं चलेगा। लिखना कितने ट्रेड्स दिए हैं, हिस्ट्री बना के बता, हिस्ट्री लिख इसके अंदर कितना है। ओवरऑल बात ये है कि भाई ऐसा करके दिखाए। अब कई लोगों को तय भाई, अब मैं आप बोलू रजत जी आपका कोई बिजनेस है बताओ ना, बिजनेस क्या करते हैं? तो सोचेंगा भाई मैं मेरा बिजनेस क्यों बताऊं भाई तुझे, मेरा मोनोपोली वाला बिजनेस मैं क्यों बताऊं तुझे? कोई भी बंदा बोलेगा, आप थोड़ी ना सबको अपना बिजनेस बताएंगे, ठीक है? तो कोई हर कोई अपना किसी का भी बिजनेस होता है, कहीं से माल लाता है, मुंबई से माल लाया दिल्ली में बेच दिया भाई, 100 रुपए की चीज वो 500 में बेची, थोड़ी ना कोई मोनोपोली बताएगा। तो जो है ना पैसा अगर अपन किसी को पूछे ना भाई तेरा पीएनएल बता, तो ये ना एक वाहियात बात हो गई, कोई अपनी तिजोरी खोल के थोड़ी बताएगा, ठीक है? ये हर लाइव स्ट्रीमर हर एक के साथ होता है, लेकिन लेकिन जनता मांग क्यों रही है? जनता को चाहिए प्रूफ। बिल्कुल सर, प्रूफ लाओ ना, एक्सेल शीट बना के रखो सामने। कोई बंदा आके बोल दे सर आपने जो है यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाया, लिखते जाओ सबके सामने, लाइव में एंट्री करते जाओ, सभी को छूट है, फोटो खींचते जाओ, जनता के हाथ में वोट दे दो, बात ही खत्म हो गई, जनता डिसाइड कर लेगी क्या करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ये हमारे तो विनिंग रेट भी हमारा काउंट होता है ना पूरा, कि हमने हाँ, क्या करा, कितने मिस कर दिए। अगर आप बाद में लाइव ज्वाइन किया आपको पता चला दो ट्रेड हो रखे हैं भाई, इतने लोगों ने सुपर चेट दे रखी है, प्रोफेसर कितनी बार सही गिरा है, प्रोफेसर कितनी बार गलत गिरा, सारी चीजें अभी तक खाता नहीं खुला, लेकिन मैं चाहता हूँ खाता खुले, पर नहीं हो रहा, जानबूझ के करूं, सही बता रहा हूँ, मैं रोजी पर बैठा हूँ, मेरे धंधे पर बैठा हूँ आप लोगों के साथ, खाता खुले मैं खुद सोच रहा हूँ, नहीं तो नहीं खुलेगा तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। पर अब जान मुझ के तो मैं किसी को थोड़ी गाड़ी ठोक दूंगा, जान मुझ के तो गाड़ी नहीं ठोकूंगा। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल वो तो ये जब ठुकने की होगी गाड़ी ठुकेगी, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ, नहीं ठुक रही तो क्या, जान मुझ के थोड़ी ना एंट्री मारेंगे उसमें कि भाई गलत हो गया। बिल्कुल हो नहीं रहा है, नहीं सर बिल्कुल, मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, हो ही नहीं रहा है वो। सर गुड इवनिंग सर। जी जी तपन जी बोलिए सर, मेरे क्वेश्चन है सर, मैं
मैं बाय ओवर जो आप देते हैं वो ऑर्डर डालता हूँ तो वो वापस आके मेरा स्टॉप लॉस खा जाता है। हाँ तो अभी बताया ना कैसे कर रहे हैं आप, अभी ज्वाइंट हुए के बाद में ज्वाइंट? स्टार्टिंग से ज्वाइंट, बाद में ज्वाइंट हुआ। मैं बाय वेब का ऑर्डर डालता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें बताया है कैसे करना है। सर मेरे मोबाइल में बाय वेब ऑर्डर लगता ही नहीं, मैं जो भी डालता हूँ वो वापस वही लोअर प्राइस में आके लग जाता। कौन सा ट्रेडर यूज कर रहे हैं आप? फायर, ज़ीरोडा, एंजल, उसको यूज करो। फायर्स को फायर कर दो तो मतलब नहीं है वो बाय वेब नहीं, वो जो प्राइस चलता है उसी में उठा लेता है वो, है ना। उसमें कैसा होता है, मैं उसके चार्ट यूज करता था पहले, तो उसके जो प्रीमियम्स होते हैं ना वो, है ना, लेट अपडेट्स होते हैं। मैंने उन लोग को मैसेज भी किया था कि कुछ तो आप लोग के चार्ट में दिक्कत है कि आपके उसमें लैगिंग हो रहा है, ठीक है। मैंने मेरी लाइव स्ट्रीम के ऊपर ना फायर्स का लगाया ना धन का, धन का अपन जो लगा रहे उसमें देख रहे हैं, ये क्या कूलर्स एंड ट्रैकर्स में धन वाला अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन जो अपने सामने जो दो चार्ट है ना उसका मैंने पे किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कि मेरे को ट्रेड जो प्राइस है वो लाइव में अपडेट मिलता रहे, क्योंकि उसका है ना लाइव में अपडेट्स नहीं आता है। अपना निफ्टी बैंक निफ्टी 17,000 10 चल रहा है और उसका अभी 17,000 पे मैंने देखा है। तो मैं सर उनको जब मैं कंप्लेंट जब किया वो बोले जो आपका जो ऑर्डर डालते हैं वो लोअर प्राइस में उठा लेगा। अपने पास तो लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स है ना, क्यों उसको छोड़ो, मेरी जान छोड़ दो ना, उसको सल्टा दो ना, दूसरे को ले लो, ज़ीरोडा ले लो, जिसके रियल टाइम पर अपडेट्स हो रहे हैं ना उसमें जाओ, क्योंकि देखो उसमें दिक्कत है ही। तो मैंने तो उसको हटाई दिया, उसका चार्ट देखता ही नहीं हूं मैं उसका पहले देखता था चार्ट देखने के लिए उसको, मैं देखता था उसको, लेकिन मैंने उसको सल्टा दिया क्योंकि उसका जो है ना चार्ट चिपक जाता है, धीमे से अपडेट होता है, थोड़ी देर बाद होता है, ऐसा दिक्कत होता है। अब वो ऐसा होगा तो आपके ऑर्डर तो कहां से उसमें प्लस माइनस हो गए। लेकिन आप ज़ीरोडा है, एंजल है, उसको यूज करो, और या तो आपको जिसका भी करना है, ठीक है, धन का भी है, ये दोनों की मार्केटिंग है, धन की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छा है क्योंकि पूलर्स एंड टकर्स में उसको यूज कर रहे हैं, उसका अच्छा है बेटर इससे, लेकिन आप आपकी मर्जी, आपको जिसका भी यूज करना है आप करें उसमें। सर आज का मैसेज मुझे नहीं आया जो आज का सेलिंग प्रेशर है, मैं भी वीआईपी ग्रुप में हूं, मुझे नहीं आया। वो विजय धीरज भाई साहब पढ़ रहे थे, हां हां हां, मेरे ग्रुप में नहीं है, मैं जो 55 मेंबर का ग्रुप हूं उसमें नहीं आया। सेलिंग प्रेशर है वो आपको नहीं आया? ना सर, आप सुबह कॉल दिए हुए, एक ट्रेड दिए हुए, हाँ हाँ हाँ, एक ट्रेड दिए, उसके बाद आपने जो सुबह सुबह भेजते हैं ना एक गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह, हाँ हाँ हाँ, वो आया और कुछ नहीं, सेलिंग प्रेशर कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं आया। फिर आपने वो वीआईपी के अंदर, वो वीआईपी के अंदर नहीं आया था, वो आया था एक्चुअली उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर जो फ्री ग्रुप है अपना, अपना ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना, ट्रेडिंग रेवेन्यू कम्युनिटी, उसके अंदर आया था वो मैसेज फ्री ग्रुप में। इसका ट्रेड्स नहीं मिला था क्या वीआईपी में आपको? हाँ ट्रेड मिला था सर। हाँ बस ये वाला तो उसमें है ना अपना फ्री ओपन ग्रुप में डाला, क्योंकि आज लाइव स्ट्रीम नहीं की थी ना अपन ने, मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम किया नहीं था, तो सबको पब्लिकली ऐलान कर दिया था भाई सेलिंग प्रेशर है, जाना नहीं। ठीक है सेलिंग प्रेशर में समझ में आ गया कि एटलीस्ट कॉल लेगा नहीं आज के दिन, पुट लेगा तो फायदे में रह जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी कॉल साइड की मूवमेंट नहीं आएगी, पर वो साइड जाना नहीं, जाएंगे तो कभी भी चप्पल पहन के घर जाना पड़ेगा, सिंपल। तो एकदम सिंपल उसमें डाला था ये, अभी अपन ने मैसेज भी तो पढ़ा था ना उसका, अभी अपन ने टेलीग्राम में मैसेज कौन सा पढ़ा ओपनली? मैंने आपको सबको एक बात बता देनी है, क्या लिखा था मैंने उसमें, मैं आप लोगों को सबको हिंट दे देता हूँ, मार्केट अंडर सेलिंग प्रेशर है। किसने पढ़ा मैसेज? अभी आप लोगों को व्हाट्सएप खुलवा टेलीग्राम को ओपन करवा के बताया था ना कि पढ़ो कोई भी मैसेज उसमें से, तो वो उसमें समझे तरुण जी, तपन जी? हाँ जी, हाँ जी सर। और कोई डाउट? क्लियर क्लियर सर, क्लियर। ओके चलिए, और कोई है हमारे वीआईपी मेंबर्स? जी हार्दिक जी बोलिए। सर ये प्रॉफिट कितना बुक करना है वो कभी कभी समझ नहीं आता, आज मैंने जल्दी बुक कर लिया था और फिर और 50 सपोर्ट चले गए, मतलब प्रॉफिट मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। हाँ नो प्रॉब्लम हार्दिक जी, अभी जो अभी मैंने जस्ट समझाया, लेकिन आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना। टारगेट्स का देखा है वो पूरा रूल्स बनाया, उसमें टारगेट्स बनाए। अभी समझो आपने, मैं एज्यूम करता हूँ आपने दो लॉट से ट्रेड्स किया है, तो एक लॉट जो है आप अपने फर्स्ट टारगेट पे बुक कर दो, कौन बनेगा करोड़पति, आपके पास दो ऑप्शन है। ये मेरा घर का नियम नहीं है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ट्रेड करने की पद्धति है, बोले प्रोसेस है। तो दूसरा जो लॉट है अपने पास, या तो आप उसको कॉस्ट पे लगा के छोड़ दो, बड़ा मूवमेंट आएगा तो उसको कैच करेंगे,
या तो कॉस्ट पे निकल जाएंगे। तो एक लॉट तो ऑलरेडी बुक हो रखा है, तो जब आपके पास दो लॉट थे तब आपके पास 30 पॉइंट है, तो आपको ऑलरेडी मार्केट बोल रही थी हार्दिक जी आपको चाहिए क्या ज्यादा पैसा, आप बोलेंगे नहीं बड़ा मूवमेंट और उससे ज्यादा चाहिए, तो कॉस्ट पे लगा दो, एक कॉस्ट पे लगा दो, एक को तो बुक कर ही लेना है अगर अकाउंट को ग्रो करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा कि हम जल्दी बुक कर लेते हैं क्या करें, हम जो है लॉन्ग टाइम तक ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते तो क्या करें, उसका रीजन यही है। एक लॉट है तो ट्रेड करना पड़ेगा 30-30 पॉइंट्स के हिसाब से, दो लॉट है एक को सल्टा दो एक को रहने दो। ठीक है, पूरा तो प्रोफेसर खुद भी 100 पॉइंट नहीं ले सकता, ये समझो कोई नहीं ले सकता। प्रोफेसर क्या, प्रोफेसर कोई चांद से आया है क्या? नहीं, वो खुद भी नहीं ले सकता, वो उसको भी ऐसे ही ट्रेल करना है जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका भी ट्रेलिंग में निकल जाता है, भले पता है भाई सेलिंग प्रेशर है और जो है पुट साइड का होल्ड करके रखे, वैसी गलती नहीं करनी, खुद मैं खुद नहीं करता हूं, मुझे ही पता है मार्केट नीचे जाने वाला है, भाई बुक तो कर लें, ऑप्शन तो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास करके गया तो क्या करेंगे, तो वो हर कोई के साथ है, पर अपने को ये प्रोसेस के साथ चलना है। इन बिटवीन बड़ी मूवमेंट आई ना तो अपन ट्रेड में हो गए तो पैसा मिलेगा, लॉटरी की टिकट हाथ में होनी चाहिए, ए टिकट हाँ भाई एडमिशन मिल गया भाई आपको, भाई टिकट है आपके पास, समझे। चलो और कोई है मेरे प्यारे वीआईपी मेंबर्स? यस नमस्कार संजीव जी, बोलिए सर। दो चीजें पूछनी है। जी 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 बताइए। ये तो आप जो बता रहे हो कि आप स्क्रीन चेक करते हो, उसमें क्या 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 वॉच करते हो आप? स्क्रीन, हाँ सर, आप लगाते हो ना चार्ट लगाते हो सर आप? हाँ हाँ हाँ। तो उनमें आप कौन कौन से चार्ट लगाते हो और क्या क्या चीज देखते हो? लाइव की बात कर रहे हैं? यस सर। लाइव के अंदर तो अपना है ना जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है। यस सर। उसमें सीपीआर लगा है, सेंट्रल पिवट रेंज, उसका पूरा वीडियो बना के रखा है, कैसे उसको लगाना है। मैं भी उसको वॉच करता हूँ। हाँ, उसी को हमें ट्रेंड पता लग जाता है कि ट्रेंड कैसा है, आपका है कि डाउन है या साइडवेज है। हाँ, नैरो है, वाइड है, या फिर आपका जो है मार्केट अगर वाइड रहेगी तो सीपीआर वाइड रहेगा, सॉरी चौपी रहेगी तो आपका सीपीआर वाइड रहेगा, आपको पता चल गया। सर आप विक्स भी चेक करते हो? इंडिया विक्स है ना, जब मार्केट में कोई बहुत सारा पैनिकनेस हो तो उसे देखे, इंडिया विक्स को देखकर आप इंट्राडे का ट्रेड नहीं कर सकते। क्या देखेंगे, इंडिया विक्स डाउन जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाती है, इंडिया विक्स अप जाता है तो मार्केट जो है डाउन चली जाती है। कोरोना में कितना इंडिया विक्स था पता है आप किसी को? 30 के आसपास था, 80 चला गया था, 80। हाँ, आप सोचो मार्केट नीचे इंडिया विक्स ऊपर, उसको देखकर ट्रेड्स नहीं होते, वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। आज मॉर्निंग में प्लस 5 चला था। ऐसा नहीं है कि उसको देखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको देखना नहीं चाहिए, लेकिन उसको देखकर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं भाई मार्केट में अगर इंडिया विक्स डाउन है 18, मैंने ना इंडिया विक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया है अगर आप देखें, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, 18 से ऊपर जाता है मार्केट में पैनिकनेस ज्यादा हो जाती है, 22 से ऊपर जाएगा मार्केट क्रैश हो जाएगा कभी, आप समझे। अभी अभी जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं कि जब 10 आए ना तो सर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा कुछ है? इंडिया विक्स को देखकर नहीं, मार्केट को देखकर करो ट्रेड, इंडिया विक्स को देखकर इन्वेस्टमेंट मत करो, मार्केट के गिरने के ऊपर आप जो इन्वेस्टमेंट करो उसको देखकर मत करो इन्वेस्टमेंट, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कौन से लेवल पर चल रही है और इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है, क्योंकि वो तो फियर इंडेक्स है, मार्केट में जनता में कितना फियर है वो है, वो तो उसको 15,000 पे भी फियर था और उसको 17,000 पे भी फियर था, तो उसको देखकर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो वो टोटली रॉन्ग है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मार्केट के इंडेक्स को देखकर करो कि भाई समझो भाई अभी मार्केट 18,000 पर था, अब भाई 500 पॉइंट नीचे गिरा तो मैं मेरा जो है थोड़ा पैसा उसमें इनपुट करूंगा, भाई 17,500 पे, भाई 17,500 से 17,000 आ गया, मतलब टोटली 1,000 पॉइंट गिर चुका 18,000 से, तो भाई मैं अब थोड़ा पैसा और जो है इन्वेस्ट करूंगा, भाई अब 17,000 से 16,500 आ गया तब मैं करूंगा, ऐसा आप एक उसमें लेवल्स बनाओगे, भाई 500 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा तब मैं नया इन्वेस्टमेंट करूंगा। इंडिया विक्स को देखकर इन्वेस्टमेंट का कोई लॉजिक ही नहीं, वो तो फियर इंडेक्स है। अच्छा सर, मैं एक इंडिकेटर के बारे में पूछना चाहता हूँ, एमएसडी के बारे में। हाँ, बोलिए। वो काम करता, कितना अच्छा काम करता सर वो? मैं यूज नहीं करता, कोई फालतू मार्केटिंग टूल है। अच्छा सर, आप सीपीआर चेक करते हो? मार्केटिंग देखो अपना जो वो है ना, वो इंडिकेटर नहीं, वो टूल है, प्राइस के साथ नहीं घूमता है वो, प्राइस के साथ वो रहता है वहीं पर ही, स्टेटिक रहता है, प्राइस घूम जाती है वो लेवल्स वहीं रहता है, नेक्स्ट डे घूमेगा, उस दिन नहीं घूमता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना टूल जो है ना, उससे कभी पैसा कमाई नहीं जाता है, आप समझो बात को, ये मार्केटिंग टूल है।
ब्रोकर खुद प्रोवाइड करता है, और ब्रोकर खुद बोलता है हमारे वहां ट्रेड भी करो, हम तुम्हें टूल भी देते हैं। आप समझे मेरी बात? यस सर। मैं आपको लाइव दूं सर, मैं मतलब 3-4 दिन से इस पे काम कर रहा था, एमएसडी कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। स्क्रीन में है इंडिकेटर से पैसा नहीं कमाओगे, इतनी बात में समझ जाओ, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। बाकी करो मेहनत, अगर आप मार्केट में सीखने के लिए जाते हैं तो कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि नहीं काम करे, नहीं बुरा नहीं करे, बुरा कहता हूं कोई भी इंडिकेटर के बारे में, लेकिन मार्केटिंग टूल्स हैं, आप समझ लो इसमें। तो मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये गो चार्टिंग क्या चीज है? क्या गो चार्टिंग? चार्टिंग है, चार्टिंग है, गो चार्टिंग। हाँ। मुझे भेजिए व्हाट्सएप पर लिंक, देख लेंगे उसको। अच्छा, क्योंकि उसका देखा चार्ट इंक, एक चार्ट इंक है, चार्ट इंक है। अगर आप गो चार्ट इंक पूछना है तो मुझे पता नहीं, लेकिन चार्ट इंक है वो बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को स्टॉक का एनालिसिस और फिल्टर करना हो तो। अच्छा हाँ, वो बहुत ही बढ़िया चीज है चार्टिंग, लेकिन वो स्कैनर है। आप लोगों को स्टॉक के अंदर आप ट्रेड्स करते हैं, आप जाके उसको विजिट करेंगे, बहुत सारा खजाना पड़ा है उसके अंदर चार्टिंग के अंदर। लेकिन आप जो गो चार्टिंग बोल रहे हैं वो आपका जो है क्या, तो कोई पढ़ने में मिसमैच हो गई, और अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पढ़ने में देख लेना। नहीं नहीं, क्लियर है, गो चार्टिंग है। मुझे इसका इंटरफेस वगैरह सब अच्छा लगा, ऑप्शन चेन साइट में ऑप्शन चेन है उसकी, उसे ब्रोकर के अकाउंट से लिंक किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने अभी आपके मुंह से पहली बार सुना है उसका नाम, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं, लेकिन चार्टिंग मुझे पता है। उसमें एक सुविधा और है कि आप है ना उसको रिप्ले भी करके देख सकते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ट्रेडिंग व्यू में रिप्ले नहीं होता है, उसमें रिप्ले होता होगा। ट्रेडिंग व्यू में डे में रिप्ले होता है, लेकिन मिनट में और हाफ ईयरली में उसमें रिप्ले नहीं होता। इसमें आपका है ना मिनट में, 10 मिनट में, मतलब किसी भी स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं कि कैसे मार्केट चल रही है। ओके ओके, इसकी स्पेलिंग यही है, GOCHARTING। भेज देना गिरिराज जी मुझे व्हाट्सएप पर, भेज देना, देख लेंगे उसको। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना? ये नहीं समझ में आया कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या नहीं है, लेकिन ब्रोकर के साथ लिंक किया जाता है इसको। भेज देना, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है ठीक है। सर वो पूछ रहा था मैं, जी बोलिए रोगेश जी। अभी अभी स्कैनर का जो बता रहे थे आप चार्टिंग का, उसमें स्टॉक के लिए कौन सा स्कैनर बेस्ट होगा? उसमें ना डिपेंड है, आप देखोगे ना उसमें 1.5 लाख स्कैनर है, ठीक है। आप लिखे इंट्राडे स्कैनर तो आपको इंट्राडे का स्कैनर मिल जाएगा, आप लिखेंगे स्विंग ट्रेडर स्विंग स्कैनर आपको स्विंग के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो भी आप स्कैनिंग ढूंढो ना, उसमें ना कॉमन ऑप्शन आता है ऊपर कि भाई कैश का स्टॉक करना है, फ्यूचर के स्टॉक करना है। तो जो कैश के स्टॉक होते हैं ना उसके अंदर आप बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो फ्यूचर के अंदर वो लिस्टेड नहीं होते, जो स्टॉक पता है वो चीज आप लोगों को, जो स्टॉक के ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं ना, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, वो ऑप्शन वो जो स्टॉक होते हैं वो फ्यूचर की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। और बाकी सारे स्टॉक होते हैं जिसके ऑप्शन के ट्रेड नहीं होते, फ्यूचर के ट्रेड नहीं होते, ठीक है। तो जो भी स्कैनर का यूज करके जो भी स्टॉक में आप ट्रेड करो तो वैसे ही स्टॉक में ट्रेड करो जिसके अंदर फ्यूचर में ट्रेडिंग होती हो, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपने चार्टिंग से कोई स्कैनर से आपने उठाया कोई ट्रेड, भाई एक स्कैनर आपने लिया, आपको जो है एक बता दिया कि ये स्टॉक है, लेकिन वो कैश का स्टॉक है, उसमें लिक्विडिटी नहीं रही, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर वाले ही स्टॉक में ट्रेड करें अगर चार्टिंग का यूज करते हैं तो। उसमें ऑप्शन आता है ऊपर, जब आप एल्गो खोलोगे ना जो भी स्कैनर, तो आपको बताएगा ये स्कैनर कहाँ कहाँ से आपको फिल्टर होके दिखाएगा। तो उसमें आपको देखना है कि सेगमेंट जो है ना वो फ्यूचर का सिलेक्ट करके रखें, तो जो स्टॉक उसमें स्कैनर में आएंगे वो फ्यूचर में हो गए तो उसी में करें। क्योंकि कैश वाले स्टॉक में क्या होगा, अगर आपने समझो इंट्राडे का आपने स्विंग ट्रेड ढूंढा और आपको दिखा दिया स्विंग ट्रेड के भाई 10-15 स्टॉक निकाल के दे दिए, लेकिन उसमें कैश स्टॉक ज्यादा है, तो कैश स्टॉक में ना आपको दिखा देगा कोई 75 रुपए का स्टॉक है, कोई 100 रुपए का है, कोई 200-300 रुपए का है, लेकिन वो स्टॉक की आप हिस्ट्री जानते नहीं है और आपको उसने बता दिया, लिक्विडिटी इन्हें लेके फंस जाएंगे। तो वैसा ना करें, फ्यूचर के अंदर उसका होना जरूरी होना चाहिए। तो आपको जो है ना कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके फंस भी गए ना तो फ्यूचर वाले स्टॉक एक बार आपको निकाल देंगे, समझे। ओके चलो, और कोई है? यस यस महेंद्र जी बोलिए।
ऑफिस में सर अभी तो मैं ओके ओके चलिए तो आप लोगों का किसी और का कोई डाउट है तो पूछिए तो फिर यहाँ पर जो है अब इसको रैप अप कर देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी कोई फीडबैक देना चाहता है भाई वीआईपी ग्रुप के बारे में तो भी आप लोग बता सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी बता सकते हैं जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर आप यहाँ पर रैप अप कर देते हैं इस शो को। हेलो सर जी, जी राजी मैं आपको एक और आपके एक वीआईपी मेंबर से मिलाना चाहूंगा। अभी नहीं है ये सतपाल सिंह, आपने देखा होगा लाइव पे भी आते हैं कई बार। अच्छा ओके नमस्ते नमस्ते सतपाल जी बोलिए। सर अभी नहीं ले रखा है, थोड़ा दिक्कत ही कर रहे हैं, अभी मैं ज्वाइन करूंगा वापस। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कभी करिए, कोई इशू नहीं। मैं एक बार इनसे भी मिलवा दूं आपको। ठीक है सतपाल जी। तो चलिए और है किसी का कोई डाउट? नहीं गिरिराज जी लाइव तो जो है, दीक्षित जी नहीं लाइव तो जो है आज पॉसिबल नहीं है, आज मूड ही नहीं है प्रोफेसर का, लाइव के साथ ही खाली वीआईपी मेंबर के साथ ही बात करना था, कल भी जो बात करना था लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है अब जो है खाली वीआईपी मेंबर्स उसके लिए ही टाइम निकाला है, कल जो है करेंगे लाइव। आज जो है बैंक निफ्टी के साथ जो है जलसा करो, हो चुका है, कल देख लेंगे क्रूड नेचुरल गैस को। देखो क्या है कई बार जो है नहीं आना भी अच्छा रहता है, तो क्या है पब्लिक जो है लाइव में आती रहती है उनको भी पता चले कि कहीं और जाकर देखे तो सही कि क्या हो रहा है, मौका ही नहीं मिलेगा जाने का। ऐसा है तो क्या है मौका देना चाहिए, जनता को मौका देना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, इसीलिए तो वीआईपी मेंबर्स की प्रायोरिटी हाई रखता हूँ कि भाई जितने भी है ना भाई वो लाइव खत्म मतलब खत्म हो रखा है उन लोग का, वीआईपी को तो मिल ही जाएगा। ठीक है सर, देखो आज तो लाइव आया नहीं था लेकिन वीआईपी में डाल दिया, मैं तो मेरे सेटअप पर बैठा ही हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ इधर, मुझे बटन नहीं दबाना है लाइव का। बाकी तो मैं ऐसा है। चलिए तो आप लोगों से इजाजत ले लें, किसी और का कोई फीडबैक है तो बताए तो चाहिए, और जो है ताकि आप लोग कोई भी नए हैं उनको भी पता चले, जो पुराने हैं उन लोग के साथ तो है ही नाता, तो आप मुझे जो और जो लोग मिस कर चुके हैं वो लोग, इसका रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर होगा लेकिन पब्लिकली नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मेंबर्स ही देख पाएगा। ठीक है तो आप लोग में से कोई भी इसकी लिंक शेयर नहीं करेगा जो भी यूट्यूब पर जाएगा। ठीक है आप लोग जो भी वीआईपी मेंबर्स हैं और वो लोग ही उसको यूज कर पाएंगे, मैं वीआईपी ग्रुप में इसकी लिंक डाल दूंगा लेकिन किसी को शेयर मत करना क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए ही ये लाइव स्ट्रीम रहेगी। क्या है पब्लिकली इसको जो है यूट्यूब पर दिखेगी जरूर लेकिन वो पब्लिक नहीं, पब्लिक उसको यूज नहीं कर सकती। ठीक है वो सिर्फ वीआईपी मेंबर जो भी बनेगा उसको लिंक वो देख सकता है। ठीक है तो आप लोगों से विदा ले लें, इजाजत दे दें प्रोफेसर को, आप लोग इजाजत दे दें अभी। बिल्कुल सर, वो कैप कांगी, वो कैप नहीं पहन के आया आज, अरे एक्चुअली ये हेडफोन लगाया ना ये वाला, कैप नहीं लगाया ऐसा। आज तो मास्क भी नहीं पहना, वीआईपी मेंबर्स को क्या मास्क पहन के जाए, वो तो सिर्फ वहां पर जो कॉमन होती है ना लाइव स्ट्रीम उसमें जो है मास्क लगा के आएंगे, वीआईपी मेंबर्स को तो पता है प्रोफेसर कहाँ है। यहाँ पे तो सर वो कैप चलती ना, वो कैप जो है ना वो पहले पहनता था जी, हाँ जी, फिर तो जो है वो क्या ही पहन गए जो है पहन के। अरे नहीं सर वो सूट करती है सर, डैशिंग है। अच्छा पहन लेंगे लेकिन अब जो है ना क्या होता है कि काम इतना सारा रहता है कि लाइव स्ट्रीम में जो है ना मैंने पूरा सिस्टम को बहुत ही हाई लेवल पर लेके गया हूँ, जो पहले सिस्टम था ना उससे भी हाई लेवल का सिस्टम हो रखा है अभी, मतलब जो मेरा लाइव का सिस्टम है वो इतना हैवी हो रखा है, मेरे पास जो सिस्टम जो यहाँ लगी है उसको भी जो है मैंने बहुत ही अपग्रेड कर दिया है, तो अब जो है ना मेरे पास इतनी सारी स्क्रीन लगी है, इतनी सारी चीजें जो मेरे सामने लगी है, तो यार अब तो मैं वेबकैम भी ऑन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ऐसा हो रखा है क्योंकि यार सर यार ऊपर क्या देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं ऐसा पूछ रहे थे। तो मैंने वेबकैम भी बंद करके रखा है। ठीक है तो अब वेबकैम बंद है तो अब मैं कैप पहनू ना पहनू क्या मतलब। ये तो ऐसा ऐसा है। ठीक है तो चलिए आप लोगों से इजाजत लेते हैं। मॉनिटर कौन सा लगाया हुआ है आपने? हाँ जी मॉनिटर कौन सा लगाया हुआ है? या खाली खाली उसकी जो है मार्केटिंग हो जाएगी, आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा।
यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है ना, अगर किसी ने कुछ नाम ले लिया उसकी फालतू में मार्केटिंग हो जाएगी। बोले हमारा प्रोफेसर तो यही यूज कर रहा है भाई, हम भी ये लेंगे, वो पर्सनली पूछ ले, हम दे देंगे जवाब। देखो ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग के अलावा भी किसी को कोई दिक्कत रहती है, काफी लोग फोन करते हैं कि भाई क्या सर ऐसा ऐसा हो रखा है, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं यार, वीआईपी मेंबर्स हैं तो उनको जो है लाइफ के जितने एक्सपीरियंस है वो भी बता देते हैं कि भाई देखो ऐसा है तो ये करिए आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग में तो है ही, लेकिन कहीं पर बंदे काफी जो है वीआईपी मेंबर्स फोन करते हैं, बाकी सब जो है वीआईपी नहीं है तो टाइम नहीं दे पाते अपन उसको, फोन ही नहीं करते, पूछ लेते अपन पहले उसको वीआईपी में, क्योंकि उसका नाम आ जाता है वीआईपी है तो पता चल जाता है। तो बस यही है कि जो भी आप ऐसा कुछ लगे आपको तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप करिए कुछ भी, तो जो है फ्री टाइम में आपको आंसर मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली। सैम जी कुछ पूछ रहे हैं चैट के अंदर, आप अगर रिप्लाई कर सके तो। हाँ कौन पूछ रहा है? सैम जी, ये ना मैसेज जो है ना इधर से ही इसका देखना पड़ेगा, आपने देख लिया था रिप्लाई? ये रहा, सैम जी लिख रहे हैं, सर जी कमजोरी का लेवल्स कैसे पता करते हैं, क्या हीटअप होके ऊपर जाएगा कैसे पता करते हैं? लाइव देखें यार, लाइव बताइए बताइए इसमें कैसा है कि देखें बताइए। देखें मैं आपको बताता हूं कि एक बंदा है और वो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए, वो जो है 5-6 साल मतलब उसके जो ग्रुप के अंदर वो बंदा रहता है कोई इसकी इज्जत नहीं करता है, सब स्कूल टाइम में होते हैं, ठीक है, लेकिन 5-6 साल की मेहनत के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, मतलब 6 साल लगा उसने डॉक्टर बनने का, उसके बाद वो 2 साल काम किया, कहीं जॉब किया उसने, मतलब डॉक्टर ही बना तो इंटर्नशिप में काम किया, मतलब 6 और 2, 8 साल हो रखे हैं। 9वें साल उसने उसकी क्लिनिक खोली और 10वें साल उसके पास पैसा आया, गाड़ी वाड़ी खरीदा, ठीक है। अब 10वें साल उसका फ्रेंड आता है, बोले भाई वो तूने कौन सी दवाई दी जिससे मेरी सिर दर्द चली गई, अब मुझे बताओ क्या नाम बताएगा। 10वें साल उसका दोस्त आके उसको पूछता है वो कौन सी दवाई दी, मेरा बुखार चला गया, मेरा सिर दर्द चला गया। तो उसने क्या आंसर दिया कि देख मैंने 10 साल पढ़ाई की है पिछले, तेरे को करनी पड़ेगी पहले पढ़ाई 10 साल, ठीक है। तो वैसा सिस्टम है यार, 14 साल मार्केट को फूंक दिया है, ठीक है। तो जो है उसकी पूरी की पूरी जो है ना सिस्टम की थोड़ी बड़ी हिंट जो है ना हमारे कोर्स में रहेगी जरूर, तो जब बनेगा तब बनेगा, उसका आप इंतजार करिए, जब भी बने तब। मुझे रखा ही नहीं कोर्स की ना, मुझे भाई भेजना है कोर्स, मैं मेरा आराम से बनाऊंगा जब मुझे कोर्स बनाना है, मुझे घाई पड़ी नहीं रखी है कोर्स की लोगों की तरह, कोर्स बेचेंगे भाई, ट्रेडिंग की दुकान नहीं चली तो टीचिंग की दुकान चलाएंगे, वैसा सिस्टम ही नहीं करना है, ठीक है, आराम से बनाएंगे, कोई घाई नहीं मची पड़ी। रोज के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, सर कोर्स बताओ, कोर्स लगाओ, कोर्स कब करोगे, कोर्स कब लॉन्च करोगे, लेकिन मुझे घाई नहीं पड़ी, ठीक है। तो जब आएगा तो उसमें आपको जो है हिंट मिल जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, बाकी वरना तो लाइव स्ट्रीम है, लगे रहे बनाते रहे पैसे। अरे सर क्रिप्टो कब स्टार्ट कर रहे हो दोबारा? अरे भाई ये 2 लाइव स्ट्रीम में ही थक जाता है बंदा, सैटरडे संडे कुछ तो टाइम दे दो बंदे को, उसमें भी क्रिप्टो में लगे पड़े रहेंगे क्या? चलो भाई बिटकॉइन भाग गया, एक दिन रख लेंगे ना, एक दिन रख लो, एक दिन छोड़ दो, एक दिन अपना छुट्टी करेंगे करेंगे। देखो अभी प्रोफेसर को इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो प्रोफेसर वो लाइव स्ट्रीम भी चालू कर देगा, आ जाओ क्रिप्टो में चलो सब लोग, सैटरडे संडे कर लो, क्योंकि कल हमें पता है 2 दिन हमारे कैसे कटते हैं, बिल्कुल बोर हो जाते हैं बिल्कुल। यार ये तो है, ये तो है यार, 2 दिन जो है ना यार, सैटरडे छुट्टी नहीं होनी चाहिए भाई, संडे होती तो चलेगा, 2 दिन कटते नहीं है यार, 2 दिन मुझे कैंडल दिखना चाहिए अपने को, मार्केट थमा पड़ा है, नहीं मजा आता है। मैं कल इतना बोर हो गया था, मैंने एट द एंड ट्रेडिंग व्यू खोला, उसके ऊपर अपना BTC USDT का चार्ट लगाया, वो देखना शुरू हो गया, मैं क्या चल रहा है, मैं क्या बोर हो रखा हूँ, होता होता होता। करेंगे करेंगे क्रिप्टो भी करेंगे, उसको भी बिटकॉइन इथेरियम करेंगे, उसको भी चालू रखेंगे अपन, लेकिन थोड़ा यार फ्री हो जाए ना यार, निफ्टी बैंक निफ्टी और मॉर्निंग इवनिंग में क्रूड नेचुरल गैस, यार एक दिन में 2 लाइव स्ट्रीम कर रहे अपन, लोग एक कर रहे बंद कर रहे हैं अपन, 2 कर तो थक जाते यार शाम को, आज तो बिल्कुल मूड नहीं बना पड़ा है,
बाकी का आधा सिस्टम चालू है, बाकी सारा कुछ बंद पड़ा है, देखा भी नहीं क्रूड किधर जा रहा है, देखना ही नहीं है, अब वो जो है कल देखेंगे, आज ना मूड है कुछ है, मॉर्निंग का जबरदस्त ट्रेड हो रखा है, खत्म। अब जो है भाई आज प्रोफेसर घूमने जाएगा, खत्म मंडे के दिन। आप लोगों से कल भी जो है नहीं हो पा रही, इंटरनेट का इश्यू चल रहा था तो हो नहीं पा रही थी मीटिंग, तो आप लोगों को मैसेज लिखा भाई आपने, क्योंकि मैंने लास्ट में 10 बजे तक मैंने वेट किया, हो जाए तो 10 बजे भी करेंगे, 10 से 11 सब लोग से मुलाकात हो जाए, पर अब 11 बजे चालू करने का मतलब नहीं है, मैंने बोला कल करेंगे फिर, तो बोला मार्केट चालू रहेगा तो मार्केट के बाद करेंगे, क्रूड को जो है स्किप कर देंगे ऐसा, तो पहले जो है प्रायोरिटी देनी थी, सबको बताना था, अब क्या किसी को मन में डाउट ना रहे, कोई नया भी ज्वाइन हो तो रिकॉर्डिंग्स देख सकता है ऐसा। ठीक है, तो अब आप लोगों से प्रोफेसर इजाजत ले लेते हैं, किसी को कोई भी डाउट रहे आप में से किसी को भी तो व्हाट्सअप करिए, ठीक है, कॉल करिए, आप सभी लोगों को इजाजत है, मैसेज करिएगा और उसके बाद कॉल करिएगा, ठीक है, आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद। किसी का कोई डाउट तो नहीं है सर, एक बार वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला तो वो डायनेमिक अंगार आफत आतंक मौत जहर जखम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कुछ भी लगे सुपर सेट वालों का धन्यवाद। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन तो बताइए मतलब क्या है। देखो ऐसा है उसमें के अंगार आफत आतंक मौत जहर जखम, अब ये क्या ना जुमला है कि भाई कितना भी खतरनाक लगे कोई नहीं बोलता भाई भाई क्या ही बोले कपड़ा फाड़ू ट्रेड था, अरे क्या कहो ये क्या हो रहा है कपड़ा फाड़ू ट्रेड, भाई क्या ही गजब ट्रेड था, तो ये होता है ना भाई क्या ही गजब बारिश गिरी, भाई अभी मुंबई में होते हैं तो बोलते हैं भाई क्या कुत्ते जैसी बारिश गिर रही है, अरे कुत्ता क्या होता है कुत्ते जैसी बारिश गिर रही है, ये एक है ना, ये एक है ना ट्रेडिंग के अंदर ये एक पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए मैंने बैठ के सोचा और ऐसा बनाया, भाई अंगार आफत आतंक मौत जहर जखम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कुछ भी लगा है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कराना, तो एक मैंने बना के रखा है ऐसा, तो उसको जो है चलाते हैं तो उससे भी पब्लिक देखती है ऐसा, फिर वो जो अपना लाइव स्ट्रीम में है भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला है, वो उससे कॉन्फिडेंस आता है ना यार, बंदे को समझ में आ रहा है इधर से, फिर बंदा आगे बोलेगा सर कोई न्यू एंट्री न्यू ट्रेड सर लिखेगा, अरे सर पता ही नहीं चला किधर से ट्रेड लेना है पता ही नहीं चला, तो देखो अभी जब जब हिंट दे देते हैं सुन, जिसने सुन लिया उसको समझ में आ जाएगा, अभी तो प्रोफेसर ने बोला है नीचे जाएगा लेना है तो लो, अब थोड़ी ना प्रोफेसर लाइव स्ट्रीम में आकर लॉग इन करके वो ले लेगा ट्रेड, ये सारी चीजें हैं जब जब अपने को लगता है भाई हिंट दे देते हैं, इससे पहले भी अपन ने बोला है भाई बंदूक की गोली लोड कर लें भाई, कभी भी यहाँ से जो है अपनी अपनी गोली लोड बंदूक लोड कर लें, कभी भी जो है यहाँ पर अपने को मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी भाई, रेडी रहना सब लोग, ऐसा बहुत सारा चलता रहता है, तो ये जो है हमने चला दिया, तो जो भी कमेंट्री ध्यान से सुनता है वो मूवमेंट को एज सुन एज उसको जो है कैच कर सकता है, जो नहीं सुनता है बेध्यान से बैठा है तो उसको ये भी नहीं पता पड़ता है कि सर ने बोला क्या है, अभी तो यहाँ पे बताया नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो नीचे जाने पर कहीं पर भी ले लेता वो डायरेक्शन में ट्रेड, तो उसको स्कैल्पिंग में भी मिल जाता, कहीं पर भी मिल जाता पैसा, ऐसा फिर ऐसा हो जाता है लेता है बुक नहीं करता है, तो सबसे बड़ा वो लेता है निकलता ही नहीं, आया पैसा रह गया फंस गए भाई तो ये भी बहुत दिक्कत है, और एक दूसरा और एक और वो लोग जो सिर पे हाथ लगा के बैठे, अरे यार अभी बोला लिया ही नहीं देखते रहे के गिर गया बोले अरे सर लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी पे मैंने मेरे ख्याल से 15-16 तारीख की जो थी उस पे तो मैंने 30,000 छापे थे लाइव पे बैठ के, अरे बाप रे गजब हो रखा है आपके आपके सुपर चैट आ रहे थे पता चलता है रजत जी, सुपर चैट भी 500-500 के बिके थे मैंने, आपका नाम है स्वीट डोज जी है, उनका नाम है सुपर चैट में डबलिंग नाम बहुत सारे हैं ऐसे चलिए तो आप लोगों से इजाजत ले लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव स्ट्रीम में, वीआईपी का कोई भी डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सो बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय हिंद।